चलिए तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू गेट 600 प्लस इन नीट 2021 बाय रोहित अग्रवाल सर। तो काफी ज्यादा अमेजिंग क्लास होने वाली है, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीजें आज हम सीखने जा रहे हैं बच्चों। बहुत मजा आएगा आज, है ना, बहुत मजा आने वाला है सभी बच्चों को, बहुत कुछ आज सीखने को आपको मिलेगा। और इस वीडियो के बाद आपको लिटरली समझ में आएगा कि किस तरीके से आप 2021 की प्रिपरेशन को फुल फ्लेश तरीके से कर पाओगे। ये बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो आपको मेरे साथ पूरी क्लास एंड तक देखनी है जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखें तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 सजेशंस फॉर नीट 2021। ये टॉप जो 10 है वो बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे बताने जा रहा हूँ टॉप 10 सजेशंस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बाद में समरी भी बताऊंगा लास्ट में, तो प्लीज आप बने रहिए और बहुत कुछ एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा अमेजिंग आज की क्लास होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। ध्यान रखना, हमेशा आपका बुरा समय आपके साथ नहीं रहता है, लेकिन जो टफ होते हैं लोग वो हमेशा टिके रहते हैं। उनके साथ कितनी भी मुसीबत आ जाती है वो टिके रहते हैं। किसी के घर में आज फ्लड आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज फ्लड है तो कल आप बाउंस बैक करोगे और नीट 2020 को फोड़ के आओगे। आज 2020 का पेपर खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 2021 अभी भी बाकी है और केवल 7 महीने बाद होने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप इस कोट को हमेशा ध्यान रखें कि टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। कभी भी टफ टाइम लास्ट नहीं होता, टफ पीपल आपके हमेशा रहते हैं, ठीक है। चलो यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लें, ठीक है। आप यहां पर, ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है अनअकैडमी नीट प्रो, और हेलो बच्चों हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है। दोनों पर आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स, डीपीपी, पीडीएफ सारी चीजें मिलती रहेंगी, इवन टेस्ट सीरीज की डिटेल भी यहीं पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये मेरा क्लास का शेड्यूल एंड टाइमिंग है। तो बच्चों मैं अगर आपको बताऊं तो मैं यूट्यूब पर आपकी इन 4 दिन लाइव क्लास जल्दी से स्टार्ट करूंगा, सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब। मैं आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये आपको 4 दिन में आपको क्लास कराऊंगा, ठीक है। और अनअकैडमी स्पेशल पे सैटरडे एंड संडे को आपको डीपीपी डिस्कस कराऊंगा। बेसिकली देखो, मैं यूट्यूब के ऊपर आपको 2021 और 2022 दोनों क्लासेस के लिए, दोनों बैचेस के लिए, दोनों एग्जाम के लिए क्लास स्टार्ट करूंगा। एक क्लास होगी शाम को 7 बजे, अगली क्लास होगी रात को 10 बजे, ठीक है। तो जो शाम को 7 बजे वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वह अभी फिलहाल स्टार्ट करूंगा मॉडर्न फिजिक्स, और रात को 10 बजे मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स, जो आपका 2022 के बच्चों के लिए होगा, ओके। तो होप सो बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ये मेरे यूट्यूब चैनल, जो नया यूट्यूब चैनल है नीट प्रो, वहां पर मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। डीपीपी डिस्कशन एंड आपके डाउट्स आप मुझसे पूछोगे, ये आपका हमारा जो सेशन होगा वो सैटरडे और संडे को होगा, ये एक क्लास डन हो जाने के बाद में। तो एक प्रॉपर मैं आपको डीपीपी दूंगा हर क्लास के बाद में, ठीक है। डीपीपी के अंदर आपके बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है पूरे हफ्ते में, और सैटरडे संडे जो हफ्ते के लास्ट दिन होते हैं उन दोनों दिन हम अच्छे से डीपीपी को डिस्कस करेंगे और बहुत मजा आएगा, लिटरली वी विल एंजॉय द थिंग्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुछ अनअकैडमी स्पेशल के बारे में। तो ये आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, आप इसको लेंगे तो आपको लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलेगा, लाइव पोल्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन, मेरे भी कोर्सेज आपको मिलेंगे और भी फैकल्टीज के कोर्स आपको मिलेंगे। तो मैं अभी अनअकैडमी पर ही पढ़ा रहा हूँ हेलो बच्चों के साथ में, तो आप इसको ज्वाइन कर लें, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए। मैं बाद में बताऊंगा अभी कि क्यों ये बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है और क्यों मैंने इसको ज्वाइन किया। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जैसे YouTube होता है, YouTube आपका स्टडी के लिए नहीं बनाया, कभी भी YouTube एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। आपने देखा होगा YouTube पर कॉमेडी और म्यूजिक सबसे ज्यादा हिट होता है, एजुकेशन हिट नहीं होती है, क्योंकि YouTube मन से प्रमोट नहीं करता है उसको, ठीक है। क्योंकि YouTube इज नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, इट इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, ओके। तो यहाँ पर अनअकैडमी इज मेंट फॉर एजुकेशन। अब यहाँ पर अभी आप ज्वाइन करोगे तो मैं फिलहाल अपने जो पहले 100 बच्चे हैं उनको मिशन 2021 अपना जो मेरा कोर्स है फुल फ्लैश फ्लेक्सिव कोर्स उसको यहाँ पर दूंगा, और साथ में नोट्स एंड डीपीपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और क्वेश्चन बैंक 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूँ पहले 100 बच्चों को केवल, ठीक है, जो मेरे कोर्स से यूज करने वाले हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को Rohit007। तो मुझे पता चलेगा ना किस बच्चे ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज फिजिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी, उन बच्चों के लिए पीसीबी का डू और डाई बुक्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दी जाएंगी। उनमें मैंने एमटीजी के साथ टाइप किया है, और एमटीजी के साथ टाइप करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों सब्जेक्ट की आपके लिए मैंने बुक प्रिपेयर करी है। फिजिक्स की स्पेशल
स्पेशली मैंने करी है केमिस्ट्री और बायो की अलग अलग फैकल्टीज के साथ में मिलकर करी है एमटीसी के साथ में, लेकिन ये कोई सेल वेल के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता इनको, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे बच्चों को मिलेंगी जो मेरे से प्रीमियम पढ़ते हैं या तो हेलो बच्चों पे या फिर आपका यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे, जो सीरियस बच्चे हैं सिर्फ उनको मैं देने वाला हूँ। बीच बीच में गिव अवे सेशन भी करा करूंगा जिससे आप भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये सिर्फ पहले 100 बच्चों के लिए है और अनअकैडमी का प्राइस भी बढ़ जाएगा 20 तारीख के बाद में, तो अगर आप अनअकैडमी अभी लेने की सोच रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और फिर अगर 100 बच्चे हो गए कंप्लीट तो फिर आपको ये भी नहीं मिलेगा, ओके। चलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है नीट 2021 का। आप देखो, मैं सिर्फ दो लाइन हमेशा से कहता आया हूँ, केवल 7 महीने बचे हैं और आपके पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग चांस है बाउंस बैक करने का। किसी बच्चे के मान लो नीट 2020 में आपके 500 या 400 नंबर आए थे, 400 या 500 नंबर अगर आपके आए थे, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हो नीट 2020 में, 600 प्लस नंबर आज ला सकते हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ कैन आई गेट 600 प्लस इन नीट 2021। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। मैं आपको टॉप 10 स्ट्रेटजीज बताऊंगा। मैंने जैसा कि आपको बताया भी पहले शुरुआत में कि आज हम 10 स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे, 10 स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। तो ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिनसे अच्छे अच्छे बच्चे टॉपर्स बने हैं। 650, 640, 630 लाना इन स्ट्रेटजीज के बाद बहुत आम हो जाता है, आपको खुद समझ आएगा ऐसा क्यों है। तो 600 प्लस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज बाउंस बैक करने की, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2020 में पेपर दिया होगा और जिनके 400, 500, 300 नंबर रह गए होंगे, तो जो कमियां आपसे रह गई हैं उनको सॉल्व आउट करने का ये समय है। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखते हैं एक क्वेश्चन, इज नीट अ टफ एग्जाम, क्या नीट एक टफ एग्जाम है? तो आंसर है यस, आंसर नो नहीं है बच्चों, आंसर नो नहीं है, आंसर है यस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों देखो नीट 2020 में बेसिकली इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चों ने, कितनी सीट के लिए, 40,000 सीट्स के लिए। आप देखो सिलेक्शन रेशियो कितना कम है, ठीक है, 40,000 सीट्स के लिए 16 लाख बच्चों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। आप देखो नीट इसलिए टफ नहीं है कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टफ आती है, नहीं, नीट इसलिए टफ है क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपके माइंड सेट को डेवलप करने के लिए ये चीज बता रहा हूं। आपका माइंड सेट डेवलप होना बहुत जरूरी है, आपके माइंड सेट को डेवलप करना है मुझे, इसलिए मैं ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, आप खुद समझ के देखो कि आपके, अगर आपको पता हो आपके शहर में मुझे नहीं लगता 3 से 4 अच्छे डॉक्टर्स होंगे जिनका नाम आप जानते होंगे या कोई भी जानता होगा। ऐसा क्यों है, क्या इतने बड़े करोड़ों लोगों के देश में 3-4 ही डॉक्टर होंगे एक शहर में? ऐसा इसलिए है बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि नीट और ये नीट यूजी और नीट पीजी को निकालने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और ऐसा हर कोई कर नहीं सकता, हर कोई कर लेता तो फिर ही क्या है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की आपको जरूरत पड़ती है, डेडिकेट कंसिस्टेंट स्टडी की आपको जरूरत पड़ती है, ये माइंडसेट। देखो मैं आपको टॉप 10 टिप्स बताने से पहले ये आपका माइंडसेट डेवलप कर रहा हूं, बेसिकली आपको मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करने से पहले ये माइंडसेट में बनाना जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं नीट बहुत आसान है, मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा और हो जाएगा, नहीं, आप पढ़ोगे उसे आपके सब्जेक्ट में अप्रोच बनेगी, बहुत सही है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इतना सरल नहीं है, ये थोड़ा सा सीरियस एग्जाम है, आपको सीरियसली 10 से 12 घंटे रोज डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से आप कभी इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते कि आप सोचो 2-4 घंटे पढ़ के इसको पास कर लो, ठीक है, आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको फिजिक्स में टेक्निक सीखनी पड़ेगी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजी के पेपर को 50 मिनट में निपटाना आपको खत्म करना सीखना होगा, केमिस्ट्री में देखते ही क्वेश्चन कैसे टिक हो, ये स्ट्रेटजीज आपको चाहिए। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये अप्रोच और एटीट्यूड आपके लिए जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये पहले माइंडसेट आपका क्लियर हो जाना बिल्कुल जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर है व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 600 प्लस स्कोर इन नीट 2021। सर आप बात तो कर रहे हो कि 600 प्लस हमें दिलवाओगे, 600 प्लस की स्ट्रेटजीज आप हमें बता रहे हो, लेकिन आखिर 600 प्लस की जरूरत क्यों है, क्यों 600 प्लस की हम बात कर रहे हैं, कि हमारा 500 से काम नहीं चलेगा? तो मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ, बेसिकली 600 प्लस की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो कट ऑफ है अब वो 600 से नीचे नहीं जाएगी। 600 पर आपको ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखो मैं सही कह रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको 600 पर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, इसीलिए 600 से नीचे तो सपने ही छोड़ दो, 600 से नीचे आपको नहीं सोचना है। हाँ अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जिस स्टेट में आप हो सकता है वहां की कट ऑफ थोड़ी सी कम चली जाए 530-540, तो मे बी कि आपको कॉलेज मिल जाए स्टेट का, स्टेट कोटा से, लेकिन आपको जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको नहीं मिलेंगे 600 से कम पे। तो आपको 600 से कम तो सोचना ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेलेवेंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए तो टफ है। देखो टफ इसलिए नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है और वो टफ आते हैं, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत ईजी आते हैं, टफ बच्चों को इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर 600 से नीचे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो इसलिए आपको पहले ही माइंड में
क्लियर होना जरूरी है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 600 प्लस स्कोर इन ईट 2021। कि भाई आपको क्लियरिटी ये पता होना चाहिए कि 600 से नीचे आपको कोई भी अच्छा कॉलेज ऑल इंडिया लेवल का जो टॉप बेस्ट कॉलेजेस होते हैं वो नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पर है हाउ टू गेट 600 स्कोर इन नीट 2020। यहाँ की स्टार्टिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों देखो यहाँ पर आपके लिए एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ मिशन। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक मिशन है दैट कैन ओनली बी कंप्लीटेड विद अ प्रॉपर विजन एंड स्ट्रेटेजिक नीट प्रिपरेशन प्लान। ये एक ऐसा मिशन है जो आपका एक प्रॉपर विजन और स्ट्रेटेजिक नीट प्रिपरेशन प्लान के बिना हो ही नहीं सकता अचीव। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर विजन, प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान, ये सब कौन बताएगा? ये सब बताएंगे आपके टीचर्स, ये सब बताएंगे आपके एजुकेटर्स, आपके फैकल्टीज। और आज एज अ फैकल्टी, मैं आपका एज अ फैकल्टी फिजिक्स एक्सपर्ट टीचर, आपको आज मैं बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी, टिप्स और टेक्निक देने वाला हूँ जिनसे आप डेफिनेटली इस मिशन में अकम्प्लिश करोगे। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट आप अपने रूम में लगा लो कि इट इज अ मिशन दैट कैन ओनली बी कंप्लीटेड विद अ प्रॉपर विजन एंड स्ट्रेटजिक नीट प्रिपरेशन प्लान। ठीक है, आपको प्रॉपर एक प्रिपरेशन प्लान स्ट्रेटजी की जरूरत है कि मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। दोनों चीज जरूरी है बच्चों, क्या करना वो भी जरूरी है और क्या नहीं करना वो भी इतना ही जरूरी है। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी जरूरी है। तो होप सो बच्चों कि आपको ये क्लियरिटी आई होगी कि आप 600 नंबर नीट 2020 में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आना यहां से जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 2019 में केवल 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 700 मार्क्स स्कोर किए, 9 ऐसे थे जिन्होंने 695 स्कोर किए और 27 ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन को 690 के साथ स्कोर किया। अब आप सोचो केवल 3 कैंडिडेट ने 700 से ऊपर स्कोर किया है ना, और केवल 695 तक 9 कैंडिडेट पहुंचे, और आपके यहां पर 690 से ऊपर केवल 27 कैंडिडेट पहुंचे। पेपर कितनों ने दिया था? पेपर दिया था बच्चों 15.25 लाख और अप्रोक्स बच्चों ने। आप सोचो 2019 का पेपर, अभी 2020 में भी आपको यही डाटा मिलने वाला है, 2020 में कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट है क्या ये एग्जाम कि यहाँ पर बच्चे 600 प्लस नंबर ला के ला ही नहीं पाते? कुछ हजार बच्चों ने 600 प्लस स्कोर किया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये पेपर आपसे डिमांड करता है, पता है क्या, ये डिमांड करता है आपसे डिसिप्लिन, ये डिमांड करता है कंसिस्टेंसी, ये डिमांड करता है हार्डवर्क, ये डिमांड करता है प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी कौन सी है ये तो मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। आपको डिसिप्लिन मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि बहुत से बच्चे इसको हलवा समझ लेते हैं, ये हलवा नहीं है, ये आपको सीरियसली करना पड़ेगा। आप देखो अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे फोड़ के नहीं आ जाते, हजारों बच्चे, लाखों बच्चों में से हजारों बच्चों के क्यों 600 आ रहे हैं, क्या सारे बच्चों के 600 क्यों नहीं आ रहे हैं फिर, अगर इतना ही हलवा है? नहीं हलवा बच्चों, सीरियस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये 3 टर्म इसको डिफाइन करते हैं। जो नीट की तैयारी करता है, जो नीट के स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रिपरेशन और उनको डिफाइन करने के लिए अगर कोई 3 शब्द मुझसे पूछे तो वो क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। ये 3 ऐसी चीज है जो किसी नीट के बच्चे को डिफाइन कर सकती है। ठीक है, तो प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा, माइंड में बैठा लो कि सरल नहीं है, कठिन है, इतना आसान नहीं है, आसान होता तो सारे कर लेते। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, बच्चों ने जो टारगेट सोचा होता है उसे अकम्प्लिश नहीं करते, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करते। किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिया और फिर अगले दिन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर 15 घंटे पढ़ने के बाद 4 दिन तो पढ़ ही नहीं रहे। ये जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना आपकी, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपका माइंड उस फिलो में डेवलप ही नहीं हो पाता, उस टीचिंग जितना आपको आर्ट्स की जरूरत होती है उसमें डेवलप ही नहीं हो पाता, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक नीट की तैयारी करने वाले बच्चे को डिफाइन करती है। ठीक है, अब पहली टिप और सजेशन स्टार्ट करते हैं आज के। टिप नंबर 1, सजेशन नंबर 1 क्या है? नो द एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पेपर में बैठने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैं एग्जाम का पैटर्न सिर्फ ये वाला बेसिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, असल में आपको मॉक टेस्ट आपने देखे होने चाहिए, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने देखे होने चाहिए। आप अगर 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 2020 का एनालिसिस आपको देखना चाहिए, 2019 का एनालिसिस देखो, 2018 का एनालिसिस देखो, उनको एनालाइज करो, आखिर ऐसा क्या है उस पेपर में जिससे केवल कुछ हजार बच्चे ही 600 प्लस नंबर ला पा रहे हैं? ऐसा क्या गलती हो रही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जब इतनी सरल आते हैं पेपर में तो केवल कुछ हजार बच्चे ही 600 प्लस नंबर क्यों ला रहे हैं? ये आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद गो थ्रू होना पड़ेगा 2020 का पेपर, 2019 का, 2018 का, 2017 का, देखो उठा के देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कि आखिर ऐसी क्या गलती हो रही है, और जब आपकी प्रिपरेशन होती जाए तो उसको लगाने की कोशिश करो। ये पैटर्न आपको सबको पता ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन होता है, 3 घंटे का होता है, इतनी सारी लैंग्वेज में होता है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपके लिए डाल दिया है कि आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन असल में
जो चीज है वो जानने की ये है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। आपको एग्जैक्टली पैटर्न पता होना चाहिए पेपर का, कि पेपर आता कैसे, आखिर ऐसे क्या होता है उस पेपर में, कि आखिर कुछ ही बच्चे 600 प्लस ला पाते हैं, कुछ ही बच्चे 650 ला पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मिलियन ऑफ स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं और उसके बाद भी नंबर 600 प्लस कितने ला रहे हैं, सिर्फ कुछ हजार बच्चे, तो ये गलती कहां हो रही है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है, आई होप के बच्चों सबको ये पता होगा, जिसको ये नहीं पता है उसको पता होना चाहिए प्रॉपर पेपर में कितने नंबर का पेपर आता है, कितने सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ठीक है, बायोलॉजी का इसलिए सबसे ज्यादा वेटेज होता है, इसलिए बायोलॉजी सबसे ज्यादा स्टार सब्जेक्ट होती है बच्चों, फिजिक्स बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगती है, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन मेरे साथ करने पर आपको ये टफनेस खत्म हो जाएगी, डोंट वरी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 600 नंबर लाना हमारा टारगेट है आज का, है ना, हमें 600 नंबर लाने हैं, तो हम समझते हैं। ठीक है, 600 नंबर अगर लाने हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आज हम स्ट्रेटजी समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू नीड टू आंसर एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 करेक्टली विदाउट मार्किंग एनी इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम 150 क्वेश्चन सही करके आने पड़ेंगे बिना नेगेटिव मार्किंग के, तब आके आप या तो 600 लाओगे, या फिर अगर देखो इसमें लिखा है विदाउट इनकरेक्ट मार्किंग, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो नेगेटिव जरूर होता है, कई बार इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ के भी गलती हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको एक सेफर स्कोर की तरफ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेफर साइड क्या है, सेफर साइड आपका एम होना चाहिए 160-170 क्वेश्चंस करने का करेक्टली, अगर आप कुछ अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव मार्किंग करके भी आते हैं, अगर यानी कि 180 में से आपको 162-170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्या कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा, ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बच्चों, ऑलमोस्ट। तो ये कैसे हो सकता है, 3 घंटे का पेपर है, 180 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट है, ओएमआर भी भरनी है, एग्जाम की स्ट्रेस भी है, टेंशन भी हो रही है, एंजाइटी अलग है, अपना प्रेशर अलग है, फैमिली का, सोसाइटी का, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग है, टाइम का प्रेशर अलग है, और उसके बावजूद भी आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं 180 मिनट में। तो ये चीज करने के लिए ही आपको स्ट्रेटजी की जरूरत है कि कैसे आप करोगे, तो वही मैं आज आपको प्रॉपर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारी टिप नंबर 1 थी कि आपको एग्जैक्टली माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दो, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर करो, तो आपके 160-170 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई 600 नंबर में लेकर आऊंगा। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो 140 से ऊपर ही नहीं पहुंच पाते, 130 से ऊपर ही नहीं पहुंच पाते, 150 क्वेश्चन पे भूल जाते हैं, 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, 150 से ऊपर ही नहीं पहुंच पाते। जो बच्चे टोटली 150 करके आ रहे हैं, उसमें से भी 10-20 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर पाओगे कि आपके 600 नंबर आ जाएंगे, आ ही नहीं सकते बच्चों, आपको 600 नंबर से ज्यादा लाने हैं। तो आपको ऐसे केस में 160-170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें से भी आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर ध्यान रखना, एक नंबर आपकी रैंक को इधर से उधर कर देता है। ये नीट में लाखों बच्चे बैठते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, एक नंबर यहाँ पर मैटर करेगा, ओके। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है, नो द कंप्लीट सिलेबस। आपको सिलेबस एकदम अच्छा टिप पे होना चाहिए, आपके टिप पे अगर सिलेबस नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो या फिर कम पढ़ रहे हो। आपको डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए कि फिजिक्स में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो एनएलएम, तो अगर एनएलएम में सब टॉपिक कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बायोलॉजी में टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड कोई टॉपिक है ना, या कोई बॉटनी का टॉपिक है, जूलॉजी का टॉपिक है, तो आपको एग्जैक्टली उसके सब टॉपिक डिवाइड पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ह्यूमन कैसे पैदा हुए, इवोल्यूशन पढ़ रहे हो ह्यूमन का, तो आपको सब टॉपिक इसमें पता होना जरूरी है। इस लेवल पे डिटेल में आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। ये सेकंड टिप है बच्चों, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगी तो भूल जाओ, आप कैसे अनुमान लगाओगे कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, कौन सी चीज आपके लिए जरूरी नहीं है। तो इट इज अ नो ब्रेनर दैट यू शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट नीट 2020 सिलेबस, नीट 2021-2020, है ना, बिफोर प्लानिंग योर रूटीन एंड टाइम टेबल। रूटीन और टाइम टेबल बनाने से पहले आपको पहले सिलेबस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो उसी के हिसाब से डिसाइड करोगे अपना टाइम टेबल और रूटीन, समझो। जब आपको यही नहीं पता कि आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपको यही नहीं पता कि कितने चैप्टर करने से कितने नंबर आएंगे, आपको ये क्लियर ही नहीं है, तो आप अपना टाइम टेबल बना कैसे पाओगे, आपका माइंड उस तरीके से काम ही नहीं करेगा कि यार कितने घंटे पढ़ाई करूं, कितने घंटे पढ़ाई नहीं करूं, क्या रूटीन रखूं, क्या टाइम टेबल रखूं 600 नंबर लाने के लिए। पहली बात तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि 600 नंबर लाने हैं तो 160-170 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, है ना, तो इसका मतलब स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है, तो ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। अगली टिप आपको, नो द कंप्लीट सिलेबस, आप
आपको सिलेबस की एक जानकारी होनी चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में पढ़ रहा हूं तो इनऑर्गेनिक में क्या जरूरी है, ऑर्गेनिक में क्या जरूरी है, फिजिक्स में क्या जरूरी है, फिजिकल में क्या जरूरी है। चैप्टर के अंदर की इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि सब टॉपिक भी कौन कौन से हैं, सिर्फ टॉपिक नहीं सब टॉपिक की जानकारी होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 आज की, क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान। बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक बढ़िया सा कोट लिखा हुआ है, आई होप कि आप सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। क्रिएट योर विजन देन गो बीस्ट मोड टू अचीव इट। यानी कि सबसे पहले आपको अपना विजन क्रिएट करना है, अपना विजन डिसाइड करना है। तो आज आपका विजन डिसाइड हो चुका है कि आपको 600 प्लस नंबर लाने हैं नीट 2021 में, तो आपका विजन तो डिसाइड हो गया है ना। आपको ये भी पता चल गया कि 600 प्लस नंबर लाने के लिए मुझे 160 से लेकर 170 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, है ना। तो ये भी हमें समझ में आ गया, तभी मेरे 600 नंबर आएंगे। तो अब इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीस्ट मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। बीस्ट मोड का मतलब क्या होता है बच्चों, अपने अंदर का जानवर बाहर निकालना पड़ेगा, आपको जितने भी पेन हैं इन सबसे पीछे हटना पड़ेगा, आपको ताकत लानी पड़ेगी अपने अंदर पेन झेलने की, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। 10-12 घंटे का रेगुलर आपको स्टडी टाइम चाहिए। किसी दिन अगर 6 घंटे पढ़ाई हुई है तो अगले दिन 18 घंटे पढ़ाई करके उसको कवर करना, ये लेवल का डेडिकेशन जिस बच्चे में ना वही 600 प्लस ला पाता है। इसीलिए तो होता है कि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पेपर देते हैं, फिर भी उसके बाद में सेलेक्ट कितने होते हैं, कुछ गिने चुने बच्चे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एग्जाम है ये चार चीज डिमांड करता है। फिर से बता देता हूँ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये जो 3-4 चीजें हैं अगर जिस बच्चे में है तभी वो बच्चा क्रैक कर सकता है। तो आप इसको प्रॉपर अपने माइंड में बिठा लो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, क्रिएट योर विजन देन गो बीस्ट मोड टू अचीव इट। आपको बीस्ट मोड में आना ही पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो आप अचीव नहीं कर पाओगे अपना जो भी टारगेट है, जो भी विजन है उसको नहीं अचीव कर पाओगे। अगला है, अ विजन इज नो लेस देन एन इल्यूजन विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान। कोई भी विजन, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, अ विजन इज नो लेस देन एन इल्यूजन विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान। अगर आपका विजन है कि भाई मुझे 600 प्लस नंबर लाने हैं, मुझे एक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना है डॉक्टर बनने के लिए, मुझे MBBS करनी है, तो ऐसे केस में विजन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब तक खत्म करना है, तो फिर आप समझ जाओ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक विजन बिना प्लान के एक सिर्फ इल्यूजन है, आपका सिर्फ एक ख्वाब है, एक सपना है, एक सिर्फ भ्रम है कि आप उसे अचीव करोगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, आई होप कि आप इस बात को प्लीज क्लियर समझ पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि बिना प्लान और बिना स्ट्रेटेजी के आपका कोई विजन कोई काम का नहीं है। विदाउट प्लान, विदाउट स्ट्रेटेजी, बिना टाइम टेबल के आप इस विजन को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन है। ये हाथी है बच्चों, हाथी, ध्यान रखना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो आप इसको अचीव कर लोगे, ये हाथी विजन है। क्योंकि आप इसमें 180 में से 170 क्वेश्चन करके आने की सोच रहे हो, तब जाके ये नंबर अचीव होते हैं। तो ऐसे केस में आपको जिस लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी उस लेवल पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, तभी आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। ये सब असल में मैं आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जिस बच्चे का माइंडसेट डेवलप हो जाता है वही बच्चा स्ट्रेटजी को अपना पाता है, वही बच्चा प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर पाता है। क्योंकि जिसके माइंड में क्लियर ही नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है ये अचीव करने के लिए, वो कैसे इस चीज को अचीव कर पाएगा। तो प्लीज आप इस बात को समझ लीजिए। आगे लिखा हुआ है, क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के बारे में मैं एक और क्लास लूंगा आपकी, तो टाइम टेबल के बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल। आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। अब यहाँ पर 6 स्टेप लगे हुए हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस 6 स्टेप। देखिए क्या है, गेट अ कैलेंडर एंड अ डायरी। आपके पास हर समय एक डायरी होनी चाहिए। क्यों डायरी होनी चाहिए? डायरी आप एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप अगले दिन आपको क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है, वो सब आपका क्लियर होना चाहिए, वो सब रिटन में होना चाहिए। आपने कितना पढ़ लिया और आपको कितना पढ़ना है, आपको अगले हफ्ते तक क्या कवर करना है, वो सब आपकी डायरी में लिखा रहना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है लिखा हुआ तो समझ लीजिए कि आपके माइंड को रिमाइंडर ही नहीं जाएगा, आपके माइंड में वो नहीं। और एक और चीज, अपने मोबाइल फोन में एक रिमाइंडर ऐप डाउनलोड करिए, आपको रिमाइंड कराए वो कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया। प्रॉपर एक रिमाइंडर डाउनलोड करो, है ना, गूगल प्ले स्टोर से। गेट अ कैलेंडर। कैलेंडर इसलिए जरूरी है बच्चों, कब आपका टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी आने वाले टाइम में, कब आपका टेस्ट होगा आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए कितना सिलेबस आपको पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा डे चल रहा है ना, कितने दिन रह गए हैं इस महीने को खत्म होने में, इस हफ्ते को खत्म होने में। आपको प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म करने की सोची है, या आपने 2 चैप्टर खत्म करने की सोची है, 3 चैप्टर खत्म करने की सोची है, तो आप अगर 2 चैप्टर भी खत्म करने हैं आपको एक हफ्ते के अंदर, तो आपको अगर वो अपने सामने दिख रहा होगा ना कैलेंडर में, तो ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। आपके माइंड में नोटिफिकेशन जाएगा, रिमाइंडर जाएगा, उठ
पागल सो रहा है तू, उठ, तुझे अभी चैप्टर खत्म करने हैं। ये आपका रिमाइंडर जो है ना, ये आपका ऐसे नहीं आएगा। आपके सामने आपका विजन और गोल आपके सामने होना चाहिए, आपके सामने प्रॉपर लिखा रहना चाहिए कि मुझे 600 प्लस नंबर लाने हैं, 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। अपना फोटो आपके डॉक्टर वाली ड्रेस में होना चाहिए। ये सब जब आपके माइंड बार बार देखेगा ना, सुबह उठते ही जब आप उस चीज को देखोगे तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा और वो कहेगा चल बेटा पढ़ते हैं, फोन चलाने में कुछ नहीं रखा। बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे सोच तो लेते हैं 600 प्लस नंबर लाने, पर फिर सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, फोटो शेयर करने लग जाते हैं। अरे भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के बहाने आप पढ़ाई नहीं कर सकते बच्चों। ये डिस्ट्रैक्शन आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आज एक चीज बता देता हूं मैं, डिस्ट्रैक्शन ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू लूज फोकस। डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को हटाता है और लूज फोकस लीड्स टू डिप्रेशन, और जिसका फोकस गया वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो इसीलिए डिप्रेशन में नहीं आना है, डिप्रेशन में वही बच्चा आता है जिसका फोकस लूज होता है, और फोकस उसी बच्चे का लूज होता है जिसके सामने उसका विजन नहीं होता। तो आपका एक विजन बोर्ड आज बना लो और उस पर सारी चीजें लिख लो कि मुझे 600 प्लस नंबर लाने हैं, 170 क्वेश्चन करने हैं, मैं डॉक्टर में अपने आप को देखना चाहता हूं, मेरा टारगेट कॉलेज ये है। किसी बच्चे का एम्स होगा तो किसी का कुछ और होगा, किसी का KGMC होगा तो किसी का SMS होगा। तो ऐसे अपने जो भी विजन है अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपने सामने लिखो, और सामने सुबह उठते ही उसको देखो एक बार, रात को सोने से पहले देखो। ध्यान रखना बच्चों, आप अगर किसी चीज को, आप ध्यान रखना, ये चीज आपने सुनी भी होगी एक मूवी का डायलॉग भी, आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपको लग जाती है। तो आपको जब आप शिद्दत से चाहोगे नहीं ना तो आप नहीं ले पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। अपनी सीट आपके हाथों में है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उसके लिए आपको 600 प्लस नंबर चाहिए। उसकी स्ट्रेटेजी तो मैं धीरे धीरे आपको सारे बता ही दूंगा, लेकिन आपको माइंडसेट पहले क्लियर होना जरूरी है। ये विजन आपके सामने होना चाहिए, मैंने यहां पर बताया, कैलेंडर और डायरी आपके सामने होना जरूरी है, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको प्रॉपर ये चीजें ध्यान रहेंगी। बिना कैलेंडर के आप याद ही नहीं रख पाओगे। सेट योर प्रायोरिटीज, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से टॉपिक पहले करने हैं, कौन से टॉपिक बाद में करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट चलाना है, और वो फिक्स टाइम है, मान लो 8 से 8:30 बजे तक मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा, उसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक ये सब चेक करूंगा ही नहीं। ये सारी प्रायोरिटी जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप समझ लो कि आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। किसी बच्चे का क्या होता है कि वो BSc वगैरह कर रहे होते हैं और उसके बाद में नीट की भी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि नीट ज्यादा जरूरी है कि BSc ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा होता है अपने स्कूल जाता है तो स्कूल की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या नीट की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो ये सब प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आप अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं भावनाओं में खो जाते हैं, मैं जानता हूं आप जिस एज में हैं भावनाओं में खो जाते हैं, GF BF ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि आपके लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है समय, या फिर आपका जो एग्जाम जो 7 महीने बाद आने वाला है वो जरूरी है। जब तक आप ये नहीं बनाओगे तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका गोल ही इतना बड़ा है, हाथी है भाई आपका गोल, और उस हाथी को अचीव करने के लिए आपको खुद एक हाथी बनना पड़ेगा, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो, और वो बीस्ट मोड में आपको आना पड़ेगा। फिर से ये मोटिवेशन जो मैंने आपको बताया, क्रिएट योर विजन देन गो बीस्ट मोड टू अचीव इट। आपको बीस्ट बनना ही पड़ेगा, अपने बीस्ट मोड को जगाना पड़ेगा, आप सोए हुए हो उसको उठाना पड़ेगा, तभी आप इस विजन को अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये विजन बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। तभी तो केवल हजारों लोग इसको अचीव कर पाते हैं, लाखों लोगों, मिलियंस ऑफ लोगों में से 16 लाख बच्चों में से 600 नंबर कितने बच्चों के आते हैं, 10,000 5,000 नहीं, इतने भी नहीं आते बच्चों। मैंने आपको बताया ना अभी कि नीट 2019 का डेटा भी आपको दिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, 700 से ऊपर आने वाले केवल 3 बच्चे थे, 695 से ऊपर आने वाले केवल 9 बच्चे थे, 690 से ऊपर आने वाले केवल 27 बच्चे थे। तो आप मुझे बताओ कि आप इसको जब अचीव ही नहीं करोगे तो आपका सपना, आप अपना पूरा कैसे कर सकते हो। आपको बस कितने महीने मेहनत करनी है, 7 महीने तो आपको बीस्ट मोड में रहना है, उसके बाद तो मजे हैं, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आराम से पढ़ाई करते रहना, फिर कोई दिक्कत थोड़ा है। 7 महीने तो अपने आपको बीस्ट मोड में लाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट स्लीप ड्यूरिंग स्टडी टाइम। आपने अगर कोई स्टडी टाइम डिसाइड कर लिया है तो फिर स्लीप करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपके माइंड को ये नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको जब नींद, अगर आपका माइंड आपको बताता है कि आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने माइंड को रोकना है उस समय सोने से, अपने आप को रोकना है, नहीं तो आप अपने माइंड को मैसेज दोगे कि इस समय अगर मैं सोने की बोलता हूं तो मैं सो जाता हूं। ठीक है, आपको अपने माइंड को बताना है कि इस इंसान को अगर मैं सोने के लिए बोलता हूं तो ये नहीं सोता है, इसको अपना टास्क पूरा करना होता है, ये तभी स्लीप करता है। देखो, आपका माइंड हमेशा आपको रेस्ट में रखना चाहता है, आपका माइंड हमेशा आपको कंजर्व रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि आप बीस्ट मोड में जाओ। ध्यान रखना, सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हो अपने। ठीक है, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो बच्चों। आपका जो आलस है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके इस गोल को अचीव करने के लिए, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 600 प्लस वाला। ठीक है, ये गोल अचीव तभी तो बच्चे नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये जो बीस्ट मोड में आपको आना है, ये लेजीनेस आपको हटाना है, ये आपको रेस्ट, और ये जो कंजर्वेशन जो आपका माइंड है, आपके माइंड में जो कंजर्व, आपका माइंड को रेस्ट चाहिए। आप माइंड आपका चाहता है कि आप काम ना करें, उसको परेशानी ना हो। तो ऐसे केस में बच्चों,
आपको अपने माइंड के जो भी मैसेज है उनको मानने से मना करना होगा, अपने माइंड को ये क्लियरली बोल देना होगा कि भाई मेरा टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं तब तक अपनी पढ़ाई बंद नहीं करूंगा, मैं तब तक नहीं सोऊंगा, मेरा आज का अगर मुझे 3 चैप्टर खत्म करने हैं तो मैं कर जाऊँ जो कुछ भी हो जाए, मुझे चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, पर जब तक 3 चैप्टर मेरे खत्म नहीं हो जाएंगे मैं नहीं हटूंगा। अगर आप सो गए उस दिन तो इसका मतलब आपके माइंड को मैसेज चला जाएगा कि भाई इस इंसान को जब मैं कह देता हूँ कि सो जा तो ये सो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पेपर में आप जब पेपर दे रहे होंगे और आपका माइंड कहेगा ठहर जा थोड़ा वेट कर लेते हैं 10 मिनट का वेट कर लेते हैं, तो इतनी देर में जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके आगे निकल गए होंगे और आप 10 मिनट का ब्रेक लेकर वहीं रह गए होंगे। ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बच्चों बिना हेल्थ के कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। हेल्थ के ऊपर मैंने थोड़ी देर आपको थोड़ी आगे और बताऊंगा, हेल्थ के ऊपर मैंने बहुत बेहतरीन एक आपके लिए चार्ट बनाया है, उस चार्ट को शेयर करूंगा थोड़ी देर में, मेरे साथ डटे रहिए, ठीक है। सेट आउट लॉन्ग स्टडी आवर्स। ये लॉन्ग स्टडी आवर्स के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ आज आपको बता देता हूँ। देखिए आपका पेपर 3 घंटे का होगा, आपको बहुत सारे लोग कहते हुए मिलेंगे कि भाई 40 मिनट पढ़ाई करो 10 मिनट ब्रेक करो, ये जो चीज है ना नीट वाले बच्चों के लिए नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि 3 घंटे का पेपर देना है, आपको अपने माइंड को अभी से आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट आपको बनानी पड़ेगी कि भाई एक बार पढ़ने बैठ गया तो 3 घंटे तक नहीं उठूंगा। क्योंकि बहुत सारे आपके मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि 40 मिनट 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो। नहीं बच्चों, आपको अपने माइंड को ये आदत नहीं डालनी है। आप अगर एक बार पढ़ने बैठ गए तो 3 घंटे से पहले मत उठो। ये 3 घंटे की आदत अगर डालोगे ना, 3-3 घंटे का स्लॉट की पढ़ने की, तो आपके माइंड को पता चलेगा कि एक बार ये बैठ जाता है ना पढ़ने तो भाई 3 घंटे से पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे ना 3 घंटे का, तो आपका माइंड को पता चल जाएगा कि यार इसको तो आदत है, तो यानी कि अगर ये 2 बजे पेपर करने बैठ गया तो भैया ये 5 बजे से पहले मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा इसको। तो अगर आप अपने माइंड को कह दोगे कि 40 मिनट में थक जाता हूं मैं 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, अपने माइंड को ये आदत डाल दोगे ना आप, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड एग्जाम में भी यही बोलेगा कि भाई 40 मिनट हो गए ठहर जा 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। तो आपको आज से ही ऐसी आदत डालनी है, पढ़ाई में ही ऐसी आदत डालो कि 3-3 घंटे का स्लॉट मैं लेके चलूंगा, 3 घंटे में एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, 2 सब्जेक्ट जो भी करना है वो 3 घंटे के हिसाब से करूंगा, चैप्टर पढ़ूंगा, उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, लेकिन 3 घंटे से कम मैं नहीं करूंगा। 3 घंटे में 3 घंटे से कम का टाइम स्लॉट मैं अपने माइंड को नहीं दूंगा। आज से ये आदत डाल लो कि 3 घंटे ही पढ़ के उठना है, अपने पास पहले ही चाय कॉफी पानी सब लेके बैठो जिससे आपको बीच में ब्रेक ना लेना पड़े। गेट इनफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो समझ लेना आपका माइंड कुछ रिटेन नहीं कर पाएगा और आप प्रॉपर एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे। आपकी याददाश्त, आपकी जो मेमोरी है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों जब तक आप माइंड को स्लीप नहीं दोगे तो आपने जो पढ़ा है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपका माइंड। क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको एसिमुलेट करना है उस नॉलेज को, आपके शरीर में एसिमुलेट करना है, आपके माइंड में उसको बिठाना है, तो उसके लिए आपको रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि जब आप नया टॉपिक पढ़ोगे कल तो उससे आपका जो पुराना टॉपिक है वो आपका प्रॉपर एसिमुलेट हो चुका हो, डाइजेस्ट हो चुका हो आपके माइंड में, तभी आप नया टॉपिक पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखें, आई होप आप ध्यान रखोगे, और ये जो जितनी भी चीजें बता रहा हूं इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो और बार बार इन चीजों को देखते रहो, है ना, चाहे तो प्रिंट निकाल के अपने कमरे में चिपका लो। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, हर समय आपके माइंड में नोटिफिकेशन जाते रहना चाहिए। अगला टिप क्या है, टिप नंबर 4, रेफर टू एनसीईआरटी बुक। ये सब जानते हैं और आपको बता देता हूं एक सरप्राइजिंग फैक्ट कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इस बार जो टोटल केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के होते हैं। तो बच्चों 30 में से ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आए हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक बार पेपर उठा के देखो एनालिसिस की, किसी की वीडियो देखो, किसी टीचर की, एक्सपर्ट टीचर की एनालिसिस की, आपको पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई है पेपर में। तो इसीलिए आपको आज से ये क्लियर होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छे से करना है एनसीईआरटी से, है ना। और बायोलॉजी के तो सब जानते ही हैं आप लोग कि बायोलॉजी के लिए तो भैया एनसीईआरटी बाइबल होती है ना, तो 80% पेपर बायोलॉजी का एनसीईआरटी से आता है। और बच्चों बायोलॉजी ही सबसे ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सबसे ज्यादा स्कोर कराएगा। 360 में से टारगेट बनाओ 360 लाने का, जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कम से कम, आपको नंबर बाई चांस आप नहीं भी कर पाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना भी कर पाओ, तो बायोलॉजी आपको बचा जाए। तो बच्चों बायोलॉजी में कंप्रोमाइज मत कर देना किसी भी हाल में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी में कंप्रोमाइज मत कर देना, क्योंकि बायोलॉजी में कंप्रोमाइज कर गए तो इसका मतलब आपका स्कोर गया। जिस बच्चे के बायोलॉजी में 320 से कम आते हैं मैं उस बच्चे को कह देता हूं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता भाई, कैसे हो जाएगा। आपको 600 से ज्यादा नंबर लाने अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए, और 600 में से 360 नंबर वाले पेपर को ये आप छोड़ रहे हो, तो फिर कैसे आप उम्मीद करोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चा बायोलॉजी में ढील छोड़ गया समझ लो वो गया। बायोलॉजी में तो आपको ढील छोड़नी ही नहीं है, बायोलॉजी स्टार सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक और आपको बात बता देता हूं अंदर की कि बायोलॉजी में 20 नंबर बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20 नंबर के और क्वेश्चन करके आना बहुत मुश्किल है बच्चों। तो बायोलॉजी में कोशिश करना आज के बाद 360 में से 360 नंबर आपके आने की
गोल होना चाहिए। सोते हुए भी पेपर करा लो ना ससुरा, कम से कम 320 नंबर आपके सोते हुए भी आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड को लेकर पढ़ोगे तो मैं ये बात की गारंटी देके कह सकता हूँ कि आप अपना सपना अचीव कर जाओगे। तो प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अगला टिप है, टिप नंबर 5, देखते हैं क्या है। यहाँ पर है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये बच्चों आपने सुना होगा, कहीं भी आपने कोई भी स्ट्रेटजी की वीडियो या कभी भी कहीं पढ़ा होगा तो आपने ये हमेशा सुना होगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बहुत फायदे होते हैं। देखो क्या फायदे होते हैं। इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू विद इनसाइट्स एंड आइडियाज ऑफ व्हाट माइट कम इन द नीट। आपको ये केवल इनसाइट्स और आइडियाज ही नहीं देता कि नीट में क्या आता है, बल्कि ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देगा कि कितने टाइम की जरूरत है आपको हर सेक्शन के लिए। मतलब देखो, हर बच्चे का प्रिपरेशन जर्नी अलग होती है, हर बच्चे की टेंडेंसी, हर बच्चे का माइंड, हर बच्चे का ये परफॉर्मेंस लेवल, हर बच्चे का स्किल। भाई किसी बच्चे की एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है। तो जिस बच्चे की जो स्किल अच्छी होती है उसके हिसाब से उसको तैयारी करनी है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसकी कौन सी स्किल अच्छी है? पेपर में वो क्या कमी कर रहा है, क्या नेगेटिव कर रहा है, क्या पॉजिटिव कर रहा है, क्या उसके वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सब बताने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा जो असल में पेपर में आता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। तो इससे ये चार फायदे होंगे। कौन कौन से होंगे? यू कैन इजिली फ्रेम योर स्ट्रेटजी फॉर द मेन एग्जाम। आप मेन एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटजी इजिली फ्रेम कर सकते हैं। विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ये जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की टेंडेंसी है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि नीट का जो पेपर है बच्चों, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, यानी कि एक मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन को देना है। और ऐसा पेपर जो इतना कठिन हो, अब देखो इसी में आपको AMR बढ़ना है, इसी में क्वेश्चन को समझना है, इसी में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, और इसी में आपको एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाम हॉल और ये सोसाइटी का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, दुनिया भर की चीजें इसी में झेलनी है, और इन्हीं 3 घंटों में आपकी जिंदगी डिसाइड होने वाली है। तो ऐसे केस में आपको ये पहले से सिमुलेट करना है, पहले से आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने चारों तरफ कि आप नीट के पेपर में जब एक्चुअल में बैठे तो आपको हलवा लगे वो। और वो तभी लग सकता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करोगे 3-3 घंटे के स्लॉट में एग्जाम के तरह, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाओगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर करोगे, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू विद इनसाइट्स एंड आइडियाज ऑफ व्हाट माइट कम इन नीट। मतलब बेसिकली आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनर असल में देता क्या है पेपर में। तो ये चीज आपको तभी पता चलती है। तो प्लीज इन सब बातों का आप ख्याल रखें। ओके, अगली स्ट्रेटजी है टिप नंबर 6, टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लेते हैं ना बच्चों, तब आपको असल में पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ठीक है, आप समझ के देखो, आपके मान लो 10 वीक पॉइंट है ना, यहां पर मैं वीक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, मान लो आपके 10 वीक पॉइंट है, 10 ऐसे पॉइंट है जो आपके वीक पॉइंट है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा? किसी बच्चे की सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, किसी बच्चे को पेपर का टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है ना, किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री नहीं आती, किसी को बायोलॉजी में नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये पता कैसे करोगे? ये पता तो तभी करोगे जब असल में मॉक टेस्ट दोगे। तो बच्चों ये मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपकी वीकनेस SWOT एनालिसिस आपको करने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट आपको बताने में हेल्प करता है। तो ये जो SW एनालिसिस है, बेसिकली ये एनालिसिस आप बिना मॉक टेस्ट के नहीं कर सकते। और कुछ बच्चों के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, जैसे किसी का, देखो किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि भाई फिजिक्स उसे इतनी अच्छे से हो जाती है कि वो सिर्फ 40 मिनट में पूरी फिजिक्स खत्म कर देता है। किसी बच्चे की बायो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरा का पूरा पेपर ही वो 50 मिनट में खत्म कर देता है, 90 क्वेश्चंस को 50 मिनट में निपटा देता है विद OMR। किसी किसी बच्चे की बायो इतनी फास्ट होती है। ठीक है, तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, आपको किस चीज पे इंप्रूव करना है, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है। तो बच्चों मॉक टेस्ट देना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप एक्चुअल पेपर में बैठने से पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट जरूर दे लें। ठीक है, तो 8-10 मॉक टेस्ट, इवन फिजिक्स के तो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा जनवरी में, जो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा ना, तो मैं उसमें भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, फिजिक्स के लिए तो इवन फुल मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आप और भी ऑनलाइन एजुकेशन अनअकैडमी पे जुड़े हुए तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हुए तो किसी और जहां से भी, ऑफलाइन या जहां भी, ऑनलाइन आकाश, LM, किसी का भी मॉक टेस्ट आप लगाएं, डजंट मैटर। लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से बहुत बेनिफिट होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं। दिस टेस्ट allow you to analyze your performance while strengthening your confidence। आपके confidence बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा help होती है, क्योंकि आपको पता चलता है यार
कि आप ये चीज बहुत जल्दी, अब आप देखो आपके 10 वीक पॉइंट थे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो पहले मॉक टेस्ट में आपको पता चला कि यार 10 गलती हुई, अगले मॉक टेस्ट में आपको पता, आपको अब पता है 10 गलती नहीं करनी है, तो उनमें से आप एक दो गलती सुधार लोगे और आपकी मान लो 9 गलती बची, फिर अगला मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता है यार 9 गलती और रह गई है, तो फिर उसको सुधारोगे, अगले मॉक टेस्ट में 8 बचेंगी, फिर अगला दोगे तो 7 ही बचेंगी, फिर अगला दोगे तो 6 बचेंगी, अगला दोगे तो 5 बचेंगी, तो जब ये आप इतनी बार मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी गलतियां बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगी, और जिस बच्चे की गलती मिनिमाइज हो गई उसका तो पॉजिटिव स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, जिस बच्चे का नेगेटिव स्कोर कम हो गया तो उसका तो पॉजिटिव अपने आप बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, किसी किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस डाउन भी कर देते हैं, और मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस डाउन होना जरूरी भी है, आपको आपकी असलियत पता चलना जरूरी है। कोई कोई बच्चा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, लेकिन असल में जब वो मॉक टेस्ट देके देखता है तो उसे पता चलता है कि यार कुछ आता ही नहीं मुझे। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, तो आपका होना भी चाहिए, और आपको वो जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आपको पता चलता है कि यार ये गलती आपसे हो रही है बार बार, इसको दूर करूंगा मैं। आगे लिखा हुआ है, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको पता चलता है रीमैप और रिवाइज करने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। जैसे हेलो बच्चों पर जब आप टेस्ट देते हैं या अनअकैडमी पर टेस्ट देते हैं तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होकर मिलता है आपका, ठीक है, कि आपने क्या गलती करी, आपने कहाँ गलती करी, आप क्या मिस्टेक कर गए, आपने खुद मतलब जब आप पेपर दे रहे हो तो आपने कितना एवरेज टाइम एक क्वेश्चन को दिया, आप टॉपर के वर्सेस कहां पर स्टैंड कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपको बहुत हेल्प मिलती है, चाहे फ्री वाले दो चाहे पेड वाले दो, डजंट मैटर, लेकिन भाई आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है 600 प्लस लाने के लिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, दिस टेस्ट ऑल्सो हेल्प यू इन रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये जो टेस्ट है ना बच्चों, ये जो मॉक टेस्ट होंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता चलते हैं कि आपके क्या वीक पॉइंट और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो होप सो बच्चों कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी यहाँ से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली टिप क्या है 7 नंबर की, रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रिविजन बहुत जरूरी है बच्चों, यहाँ पर आपको देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं आपके लिए बच्चों। जो पहला है वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, बेसिकली दोबारा रिपीट हो गया है, मतलब देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है बेसिकली, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुड बी द मेन प्रायोरिटी, कैरी मैक्सिमम वेटेज। मतलब बेसिकली देखो क्या होता है, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डू और डाई, यानी कि ये ऐसे टॉपिक है जिनका मैक्सिमम वेटेज होता है। तो जो बच्चों डू और डाई टॉपिक है ना, उनमें आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डू और डाई होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं करना। जैसे फिजिक्स में मैं बता देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, करंट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च करो डू और डाई वीडियो बाय रोहित अग्रवाल सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री की भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, केमिस्ट्री डू और डाई बाय हेलो बच्चों, आप वहां पर देखोगे तो वहां पर एक केमिस्ट्री की डू और डाई की वीडियो है। बायोलॉजी की आप डू और डाई की वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। देखो मैं तो कहता हूँ बायोलॉजी तो पूरी डू और डाई है यार, बायोलॉजी तो पूरी डू और डाई है यार आपके लिए, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत आसान है। बायोलॉजी में आप समझो चीजों को और एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करोगे तो बायोलॉजी में तो बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा, 360 में से हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों का तो 360 आ जाएगा, 340, 350, 320, 330, अरे मैं कितने बच्चों को देखता हूँ आते हुए। तो बच्चों बायोलॉजी तो आपके लिए पूरी डू और डाई है, तो जो भी आपके मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। इवन मैं जब प्लस पे अपना बैच लॉन्च कर रहा हूं तो वहां पर भी आपको सबसे पहले डू और डाई टॉपिक कराऊंगा 2021 के लिए फिजिक्स में, ठीक है। तो बच्चों आपको सबसे पहले डू और डाई टॉपिक करने हैं। देखो केमिस्ट्री में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंदर लास्ट के 3 टॉपिक होते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल। ये जो केमिस्ट्री के तीनों टॉपिक है ना, ये इतने तो इजी हैं, बहुत आसान है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। और केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से 11 और 12 की, तो ही आपके पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो इसलिए बच्चों केमिस्ट्री बायो आपके लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल आप थोड़ा सा देखो उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको करो, बाकी फिजिक्स में डू और डाई में आपको वीडियो बनाई हुई है, आप उसको एक बार यूट्यूब पर सर्च करो डू और डाई टॉपिक बाय रोहित अग्रवाल सर, तो आपको मेरी फिजिक्स की वीडियो मिल जाएगी, केमिस्ट्री की भी मेरी अवेलेबल है। तो डू और डाई टॉपिक फॉर केमिस्ट्री बाय हेलो बच्चों डालना, आपको वीडियो मिल जाएगी, YouTube या Google कहीं भी डालोगे दोनों जगह मिल जाएगी।
अगला है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिवाइज देम रेगुलरली। देखो बच्चों क्या होता है, जब आप किसी चीज को रेगुलरली रिवाइज करते हो ना, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने कोई घटना घटित हुई है कभी, जैसे आप चल रहे थे, मान लो आप किसी आप एक सड़क पर घूमने गए थे और आप कहीं चल रहे थे इस तरीके से, और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, है ना, आपने देखा यार कुछ गलत घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपने देखा होगा वो जो चीज है ना वो आपके माइंड में बैठ जाती है, और वो आप इतने लोगों को बताते हो, इतने लोगों को शेयर करते हो कि उसे आप जिंदगी भर मरने से पहले तक भी आप उसको याद रखते हो, 80 साल बाद भी आपको वो याद रहती है, 60 साल बाद भी वो याद रहती है घटना। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उसके इतने रिविजन करें, इतने लोगों को शेयर किया है, इतना सोचा है माइंड में उसके बारे में कि वो आपके माइंड में घर बन गई है, आपके माइंड में वो आपके ब्लड में बैठ गई है। तो बच्चों इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के डुओटाइड टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्लड में वो बैठ जाए एकदम, तभी मजा है, तभी आप पेपर में रिकॉल कर पाओगे। बिना रिवीजन के तो आप मैस हो जाओगे, मैस ही हो जाएगा सब कुछ, और आप जितना भी पढ़ लोगे सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको उन टॉपिक को जो डू और डाई टॉपिक हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, और बायोलॉजी के जैसे आनंद मनी सर हैं, डॉक्टर एस के सिंह हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो आप उनसे पढ़िए, और भी बहुत सारे टीचर होंगे जो आपके खुद के फेवरेट होंगे, तो आप उनसे उनकी अगर वीडियो है डू और डाई की तो आप देखिए। इवन मैं तो वही कह रहा हूँ फिर से, बायोलॉजी में तो सारे ही टॉपिक डू और डाई है, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत आसान होता है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे डाल दी है, तो प्लीज आप इस पे एक बार नजर डालिए। जैसे फिजिक्स है बच्चों, तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रोटेशनल मोशन, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बैकएंड में आपका वेक्टर और बेसिक मैथ क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इसमें और इसमें दोनों में जरूरी है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक ही से पढ़ने से। सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, आयनिक और केमिकल दोनों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जीओसी, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और लास्ट के जो तीन और मैंने आपको बताए वो भी काफी जरूरी है। तो प्लीज आप केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक जरूर कंप्लीट करें, और बायोलॉजी में तो देखो आप पढ़ी लो यहाँ से, बायोलॉजी में तो सारे ही जरूरी है, फिर से कह रहा हूँ बायोलॉजी में तो कोई भी मत छोड़ के जाना, बायोलॉजी में तो भाई सभी जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी में तो आपका टारगेट ही 360 का होना चाहिए, और 360 तभी तो लाओगे जब सारा सिलेबस पढ़ के जाओगे, है ना, जो भी नीट में सिलेबस आता है वो सारा आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आई होप बच्चों कि आप इन सारी चीजों का ख्याल रखोगे, और आप इन सब चीजों पॉइंट को जब याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। अगला टिप एंड सजेशन देखते हैं आज का, प्रैक्टिस रेगुलरली। ये बच्चों बहुत छोटी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ध्यान रखना ये सबसे बड़ी बात है, ये छोटी चीज जरूर लग रही होगी, ये लाइन आपको छोटी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड फ्रेम ऐसा बनेगा, आपके माइंड में वो फ्रेमिंग बनेगी, कैसे क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस में दिमाग चलाना है, कैसे आपको शुरू से लेकर एंड तक आंसर तक पहुंचना होता है, कैसे आपको इनकरेक्ट और करेक्ट ढूंढना होता है, बायोलॉजी में कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हो, केमिस्ट्री में कैसे आप क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हो, फिजिक्स में कैसे आप कॉन्सेप्ट को यूज करके कैलकुलेशन फटाफट करोगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, ये आपने बचपन में सुना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट बिल्कुल सही चीज है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये जो चीज है ना ये आपको समझनी है अच्छे से। देखो क्या ये बहुत सही, हर सेंस में बहुत सही है कि स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोरिंग 600 प्लस इन नीट 2021, ये जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब ये बहुत ज्यादा सही हो जाती है जब आप 600 प्लस के टारगेट की बात करते हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स के बार बार क्वेश्चंस लगाओगे, जब आप केमिस्ट्री के बार बार क्वेश्चंस लगाओगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपके माइंड में वो बैठ जाएंगी, आपके ब्लड में बैठ जाएंगी, और फिर आप उनको कैसे नहीं लगा पाओगे। ठीक है, लिखा हुआ है वेरियस रिसर्च क्लेम दैट ह्यूमन हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स इफ नॉट प्रैक्टिस एंड रिवाइज्ड रेगुलरली। ये तो रिसर्च छोड़ो यार, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लो, आपने आज कोई चीज पढ़ी, या फिर आपने छठवीं क्लास में जो चीज पढ़ी थी, क्या वो आपको याद है आज? मुझे नहीं लगता आपको याद होगी, बहुत ही कुछ चीजें होंगी जो आपको याद होंगी, बहुत ही कम चीजें होंगी ऐसी। ठीक है, तो बच्चों याद नहीं रहती है, इवन छठवीं क्लास से छोड़ो, आपने 10 दिन पहले जो पढ़ा होगा ना वो भी आपको 100% रिटेन नहीं रहता है, वो भी सिर्फ 20% आपको याद रहता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च तो छोड़ो, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो अपने
कि आपके जो ह्यूमन है, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है भूलना, अगर आप नहीं भूलते, देखो देखो ये अच्छी चीज है, अगर आप देखें ना नेचर ने ये बहुत अच्छी चीज बनाई है भूलना, ये बेकार चीज नहीं है। अगर आप नहीं भूलोगे, अगर आप नहीं भूलोगे तो आपको हर चीज याद होगी कि आपके आपने किससे क्या बात करी, क्या खाया, क्या पिया, कब सांस ली, कब क्या देखा आपने। अगर आपको ये कचरा याद रहेगा तो आप असल में अपने एग्जाम पे ध्यान कैसे दे पाओगे। तो नेचर ने फॉरगेट की बहुत अच्छी टेंडेंसी बनाई है। अगर आपको अपने सारी बेकार चीजें याद रहेंगी, मान लो आपने कुछ गलत कर दिया, आपको सारी नेगेटिव चीजें याद रहेंगी, तो आप फोकस ही नहीं लगा पाओगे। तो ऐसे केस में नेचर ने बहुत अच्छी चीज दी है फॉरगेट की, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकल वे में यूज करना है। आपको अपने फायदे के लिए इस फॉरगेट टेंडेंसी को यूज करवाना है, और अपने फायदे के लिए यूज करवाने के लिए बच्चों इस फॉरगेट टेंडेंसी को अगर आपको अपने फायदे के लिए यूज करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिकली पूरी तरीके से बार बार रिवाइज और प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, किन किन चीजों को जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, और वो क्या है, नीट का सिलेबस जो पीसीबी है ना। आपको ये याद नहीं करना कि आपने कल दोस्त से क्या बात करी, आपकी जिंदगी में क्या घटना घटी, क्या नेगेटिव आपसे हो गया, क्या गलत आपसे हो गया, क्या सही आपने किया, नहीं। आपको वो याद करना है, वो प्रैक्टिस और रिवाइज करना है। देखो दिमाग भूलेगा, दिमाग की टेंडेंसी है नेचुरल, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज करना है अपने पर्पस के लिए। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगला है एग्जाम पैटर्न हैज नेगेटिव मार्किंग। ये इसलिए जरूरी है, मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो बच्चों आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसका खतरा आपको खत्म हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आपको समझ में आने लगता है, आप पहचान जाते हो क्वेश्चन को देखते ही कि यार मेरा नेगेटिव किस पॉइंट पे हो सकता है, तो मुझे बच के चलना है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो सिली मिस्टेक करते हैं। कैसी सिली मिस्टेक करते हैं, देखो बताता हूं। बहुत से बच्चे होते हैं जो इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ते हैं जल्दबाजी में, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉल्स को ट्रू पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है लेकिन कैलकुलेशन कर गलत करके आ गए और एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया था आपको झांसे में फंसाने के लिए, उसी को टिक कराए। ठीक है, तो ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये कैसे खत्म होती हैं, ये खत्म होती हैं बच्चों प्रैक्टिस करने से। व्हेन यू प्रैक्टिस हार्ड तो ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न हैज नेगेटिव मार्किंग, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू कैन नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट लीव एनी स्कोप ऑफ एरर्स व्हेन एमिंग to achieve such a high score as incorrect answers can stop you from getting the desired result. Obviously बात है यार, incorrect answer जब लिख के आओगे, देखो जब incorrect answer लिखोगे तो आपकी negative marking हो जाएगी, और जब आपकी negative marking हो जाएगी तो फिर आपका जो positive score है वो भी down हो जाएगा, क्योंकि एक गलत question आपके 5 number लेके मरता है, 5 number डूबता है, 5 number डुबा देता है एक negative answer। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, लेकिन क्यों, उसके ये चार रीजन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो 600 प्लस नंबर लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप भूलोगे नहीं, आपको चीजें याद रहेंगी, आप नेगेटिव मार्किंग कम करोगे, आप सिली मिस्टेक कम करोगे, आपके पास एरर और गलती करने का स्कोप खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो वो क्या है, असल में वो प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस जब करोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपने वीक पॉइंट पता चलेंगे, आप कहां पर गलती करते हो, वो सब जब खत्म हो जाएगा तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे ऊपर निकल के आएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके ज्यादा होंगे और वीक पॉइंट कम होंगे तो आपका पॉजिटिव स्कोर बहुत अच्छा आएगा, नेगेटिव स्कोर बहुत कम हो जाएगा। तो आपका यही काम है कि कैसे भी करके मुझे नेगेटिव स्कोर को बिल्कुल कम करना है, बिल्कुल जीरो तक लेकर आना है, तभी आपका पॉजिटिव स्कोर बहुत हाई फाई जाएगा। नहीं तो बच्चों एक नेगेटिव क्वेश्चन आपका 5 नंबर लेके मरता है, और 5 नंबर ही 50 पोजीशन को ऊपर नीचे कर देते हैं, रैंक 50 से ऊपर नीचे कर देते हैं 5 नंबर। ध्यान रखना, ये 5 नंबर अगर आपके मर गए तो आप 50 रैंक ऊपर और नीचे हो जाते हो। आप चाहे तो उठा के देख लेना नीट 2019 का, ठीक है 2020 का आ जाएगा तब देख लेना, 2019 और 2020 का आप रैंकिंग का सिस्टम उठा के देख लेना। जिस बच्चे के 5 नंबर ज्यादा आए होंगे वो 50-60 नंबर ऊपर होगा रैंक में, और जिस बच्चे के 5 नंबर कम रह गए होंगे वो बहुत नीचे हो जाता है। तो ये रियलिटी है, क्योंकि ये जो रैंक है बेसिकली वो सिर्फ नंबर पर डिपेंड नहीं करती, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे वो एज वगैरह को कंसीडर कर लेते हैं, नेम वगैरह को कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, टिप नंबर 9 आज की, ओन योर टाइम टेबल स्किल्स। आपको अपने टाइम टेबल स्किल्स पे कमांड करनी है, तो आपको अपने टाइम टेबल स्किल्स पे कमांड करनी है। आप देखो ये एक स्टूडेंट है आप जैसा ही, ठीक है, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि नीट इज अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स ओनली। देखो ये असल में रीजन है कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल पे काम क्यों करना है, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे सब जानते होंगे कि भाई 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने कोई मजाक ही है,
कोई मजाक चल रहा है 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। चलो सर बायोलॉजी तो हम कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से करेंगे, जिनमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे करेंगे एक मिनट में। तो वही तो है बच्चों असली गेम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, असल में फिजिक्स क्यों देता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों ऐसे डॉक्टर्स बनाना चाहता है जो आपके कैसे हैं, जो आपके हार्ड वर्किंग भी हैं और जो आपके स्मार्ट वर्किंग भी हैं। क्योंकि जो बायोलॉजी पढ़ते हुए फिजिक्स को पढ़ गया उसे स्मार्ट दिमाग कहते हैं, ठीक है। और जो हार्ड वर्किंग होते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं, वो घंटों घंटों गधों की तरह पढ़ते हैं। और स्मार्ट जब स्टडी नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये भी तो स्मार्टनेस है ना कि आपको हार्डवर्क किस चीज में करना और किस चीज में नहीं करना, ये सारी बातें आपको समझनी। ये वीडियो आप प्रॉपर देख रहे हो तो ये भी तो आपका स्मार्ट वर्क है ना कि आपको एक, देखो यार आप सोचो कि आपको एक वॉशिंग मशीन चलाने के लिए भी क्या पढ़ना पड़ता है, आपको उसका वॉशिंग मशीन चलाने के लिए भी उसका मैनुअल पढ़ना पड़ता है। और आप नीट जैसे एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो इसका भी तो मैनुअल आपको पढ़ना चाहिए। और ये मैनुअल कौन बताएगा, ये मैनुअल आपके टीचर्स बताएंगे, ये मैनुअल आपके टॉपर्स बताएंगे, ये फैकल्टीज बताएंगे, आपके गाइड बताएंगे, आपके दोस्त बताएंगे जिन्होंने क्रैक किया है, ठीक है। आपके टीचर्स बताएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकाला है। तो इसीलिए तो आपके टीचर्स की वीडियोस आपको देखना चाहिए, इसलिए तो मेंटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है अगला पॉइंट देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस अलोंग विद रिवीजन इज द ओनली प्रूवन वे टू परफेक्ट योर टाइम मैनेजमेंट स्किल फॉर द नीट एग्जाम। तो ये मैंने बार बार आपको बताया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चों तो आपका माइंड उस तरीके से रेडी नहीं होता है, एग्जाम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं हो पाता है, आपके दिमाग को ये मैसेज नहीं जाता है कि आपको पेपर में इतनी मेहनत करनी है, आपको फोड़ना है, आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जब आप माइंड को बिताओगे नहीं, माइंड में ये स्किल्स बिठाओगे, डेवलप ही नहीं कराओगे, तो आप पेपर को नहीं फोड़ के आ सकते इतने ज्यादा मार्क्स के साथ में। 600 प्लस नंबर लाना इज नॉट इजी, फिर से बोल रहा हूँ। यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि ये जो पेपर है बच्चों ये टाइम के साथ आपकी रेस है। आपको टिक 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 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने को मजाक नहीं है यार, फिर से बोल रहा हूँ। आपके सामने ये गोल है ना, हाथी है हाथी, ठीक है ना, ये हाथी अचीव करना कोई मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक। आगे बढ़ते हैं, टिप एंड सजेशन नंबर 10 क्या है, ये हेल्थ के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ का चार्ट मैं आपको दूंगा, तो ये वही चार्ट है, ठीक है। देखो चलो क्या है, तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कीप योरसेल्फ हेल्दी, आपको हेल्दी अपने आप को रखना है। क्यों रखना है, देखो क्यों रखना है, ये आपका दिल है जो आपसे कह रहा है मुझे हेल्दी रखो। अ टायर्ड एंड स्ट्रेस माइंड इज द बिगेस्ट नेमेसिस ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो ये बहुत बड़ी रिसर्च है, जो आपको नहीं पता तो आपने ऑब्जर्व भी करी होगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप टायर्ड होते हो, जब आप थके हुए होते हो, तो आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है, आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करती है। आप जो भी पढ़ लेना आपको रिटेन नहीं होगा, और जब रिटेन नहीं होगा जिस बच्चे को, वो पेपर को कैसे फोड़ के आएगा। जिस बच्चे को 180 में से 170 क्वेश्चन करके आने हैं और 600 प्लस नंबर लाने हैं, उस बच्चे के लिए अगर पेपर में रिटेन ना कर पाए तो वो कैसे, किस काम का बच्चा है फिर, उसका जो सारी मेहनत है वो किस काम की है। तो बच्चों आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ए टायर्ड एंड स्ट्रेस माइंड नेवर कैन नेवर रिटेन द थिंग्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीपिंग अप अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। आपकी अगर हेल्थ बहुत अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से पेपर को फोड़ कर आओगे, आप अच्छे तरीके से आप स्ट्रेस को, क्योंकि देखो जब इतना बड़ा एग्जाम दोगे जिसमें लाखों मिलियंस ऑफ बच्चे, जिसमें सोसाइटी का प्रेशर, जिसमें माँ बाप का प्रेशर, खुद की एक्सपेक्टेशन और साथ में इतना सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, जब इतनी सारी चीजें और 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस और जिंदगी लाइफ का जीना या मरना जिसे तय हो रहा हो कि आप डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे, आपका सपना पूरा होगा नहीं होगा, ऐसे एग्जाम में स्ट्रेस आना, टेंशन आना तो ऑब्वियस ही बात है। और जब आपके हेल्दी नहीं होंगे, जब आपके अंदर ताकत नहीं होगी, तो आप इस स्ट्रेस और टेंशन को नहीं झेल पाएंगे और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। और एग्जाम वाले दिन जिस बच्चे ने बेस्ट नहीं दिया उसका तो सिलेक्शन होना ही तय नहीं है, ठीक है। तो बच्चों बेस्ट देना बहुत जरूरी है, और बेस्ट देने के लिए आपकी हेल्थ आपका साथ दे, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज कीपिंग अप अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन, सिर्फ इसलिए बहुत जरूरी है। अगला है, इट इज एसेंशियल टू फॉर्मुलेट अ लाइफस्टाइल रूटीन अलोंग विद द स्टडी रूटीन विद स्पेशल अटेंशन टू डाइट, स्लीप एंड रेस्ट। फिर से भाई बता दे रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, तो आपका जो माइंड है ना वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका जो माइंड है वो वर्क नहीं करेगा, रिटेन नहीं कर पाएगा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे, आप 3-3 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको, आप हेल्दी नहीं हो, आपका बॉडी आपकी साथ नहीं देगी, ठीक है। आप चाहते हो बॉडी से कि, आप कह रहे हो बॉडी से भाई पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, आपने सोच तो लिया, लेकिन आपकी बॉडी कहेगी भाई साहब कैसे पढ़ू,
हिम्मत तो है नहीं, ताकत तो है नहीं, एनर्जी तो है नहीं, करूँ कैसे, पढ़ू कैसे, तो इसलिए हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी आपके साथ तभी खड़ी रहेगी जब आप बॉडी का ख्याल रखोगे। ध्यान रखना, बॉडी टिट फॉर टैट करती है, जो बॉडी का ख्याल रखता है बॉडी उसका ख्याल रखती है, ठीक है। और एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो बच्चा वैसे ही फोड़ देता है। आगे क्या लिखा हुआ है, Staying unhealthy during the preparation phase can eventually hinder your preparation tactics and induce a feeling of discontent and demotivation. इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने preparation phase में unhealthy रहते हैं तो वो eventually आपकी preparation को hinder कर सकता है, ठीक है। Obviously बात है यार, देखो आपको consistency, इस exam में मैंने आपको बताया चार चीज जरूरी है। क्या? सबसे पहली है discipline। जिस बच्चे का discipline गया वो गया, जिस बच्चे की consistency नहीं बन रही है वो गया, है ना, जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो गया, जिस बच्चे ने रिवीजन अच्छा नहीं किया वो गया। तो यहाँ पर हेल्थ जब आपकी अच्छी नहीं होगी तो ये सब कैसे करोगे भाई, कहाँ से करोगे और कैसे करोगे? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस और रिवीजन, ये आप कैसे करोगे जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी? तो इसीलिए हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट ऑल्सो मेक इट हार्ड फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मेमोराइज एंड कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बात है यार, आप ये बात बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड का निवास रहता है। एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड हो सकता है। तो बच्चों, हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी जब आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं देगी, जब आप बैठ के क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, 3 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप 3 घंटे पेपर नहीं लिख पाओगे, आप स्ट्रेस टेंशन को झेल ही नहीं पाओगे, और आप जब रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, आपने बायोलॉजी को रट लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन जब आप उसको लर्न नहीं कर पाए, आप उसको पेपर में रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट की, आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वहां पर पेपर में क्वेश्चन आ गया और आप उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही है। तो फिर ऐसे केस में बच्चों आप खुद सोचो कि आप खुद सोच के देखिए कि कैसे आप एग्जाम को फोड़ कराओगे, कैसे आप इतने बड़े, अब मैराथन जो आपने सोचा है 600 प्लस नंबर, इतना बड़ा जो स्कोर आपने सोचा हुआ है, कैसे आप उसको अचीव करोगे? तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होना जरूरी है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। बच्चों, आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या? स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी स्मार्ट। यानी कि ध्यान रखना, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और एग्जामिनर ऐसा डॉक्टर बनाना चाहता है जो स्मार्ट के साथ साथ हार्ड वर्किंग दोनों है, ठीक है। वो गधे नहीं चाहता और ना ही वो बहुत ज्यादा चालाक लोग चाहता है, वो दोनों ही चाहता है जो ईमानदारी से मेहनत भी करें और स्मार्ट भी हो। ऐसा ना हो कि ऐसी खच्चरों वाली मेहनत करें जिसका कोई बेनिफिट ही ना हो, ठीक है। तो स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी स्मार्ट, ओके, ये स्टेटमेंट आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, ओके? आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि शोर मचा दे, आपकी सफलता शोर मचा दे, इस लेवल से आपको पढ़ाई करनी है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। समरी आज की देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा नो द एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक आपको ये नहीं पता आप अचीव नहीं कर सकते अच्छा स्कोर। नो द कंप्लीट सिलेबस, आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान। अच्छा, जिन बच्चों ने ये पूरी वीडियो नहीं देखी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी की वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो होने वाली है। रेफर टू एनसीईआरटी बुक्स। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, सबका मैंने डिटेल में डिस्कशन बताया है ऐसा क्यों है। टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस रेगुलरली, हॉन योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कीप योरसेल्फ हेल्दी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, ये समरी आज की है ना, ये मैंने आज आपको सारी चीजें बताई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे बच्चे प्लीज पूरी वीडियो दोबारा से देखें, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देखें, प्रॉपर अच्छे से देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ना। और एक और चीज मैं कहने वाला हूं कि यहां पर कई सारी चीजें मैंने बताई उनका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें प्रिंट करके अपने रूम में चिपका लो क्योंकि आपका विजन अगर क्लियर नहीं है, जो मैंने विजन के ऊपर बताया था, ठीक है, जो विजन वाला इसमें से पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो फिर आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते क्योंकि बिना विजन के कोई इलॉन मस्क नहीं बनता, बिना विजन के कोई धीरूभाई अंबानी नहीं बनता, बिना विजन के कोई नरेंद्र मोदी नहीं बनता बच्चों। तो इसीलिए डॉक्टर भी बिना विजन के आप नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो आपके शहर में ही हजारों डॉक्टर होते, लेकिन कितने, 3 से 4 डॉक्टर होते अच्छे। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके लिए विजन नहीं होता किसी इंसान के पास। अगर विजन आपके सामने रहेगा और आप फोन चला रहे होंगे तो आपको शर्म आ जाएगी उस समय, यार मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे सामने पेपर है और मैं फोन चला रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपके सामने, तभी जब आपका विजन आपके सामने रहेगा तो ये गलती आप कभी नहीं करोगे। बच्चों,
ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं जिन्हें फिजिक्स में बहुत दिक्कत होती है, फिजिक्स उन्हें बहुत टफ लगती है, ठीक है। एक्चुअली रीजन भी है क्योंकि नीट वाला बच्चा सोच के आता है कि यार मैथ नहीं लूंगा, मैथ से मुझे डर लगता है, बायोलॉजी लूंगा, है ना, आराम से पढ़ने पढ़ने का चीजें मिलेंगी। और लेकिन वो आके देखता है रियलिटी कुछ और ही होती है, यहाँ तो फिजिक्स उन्हें पढ़नी है, समझनी है, मैथ भी लगानी है उसके अंदर, न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ये रियलिटी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो फिजिक्स से बहुत डर लगता है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको मैं बता दूं एक ऐसी चीज कि भाई फिजिक्स आपके लिए टफ ही नहीं रहेगी, तो चलो देख बताता हूं क्या। यहाँ पर पिक्चर में आते हैं रोहित सर, ठीक है, वही रोहित सर जो अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, यानी कि जिन बच्चों ने मेरे नोट्स से पढ़ाई करी है उनको पता है कि 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बार नोट्स में से आए हैं। और जिन बच्चों को डाउट है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उनको बता दूंगा, उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। फुल कोर्स में जो जिन बच्चों ने मेरा मिशन 2020 पढ़ा था, है ना, मुझसे फुल पढ़ाई करी थी पूरे कोर्स की, मेरे नोट्स में से 42 क्वेश्चंस आए हैं और आने ही है, क्योंकि पेपर इतना ईजी आता है कि हर अच्छा टीचर फॉरकास्ट कर सकता है पेपर को, बच्चों हर अच्छा टीचर फॉरकास्ट कर सकता है पेपर को। आगे देखते हैं 23 सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट टाइम डीपीपी, जिन बच्चों ने मुझसे लास्ट टाइम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़े थे और मेरी डीपीपी को लिया था, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, है ना, दोनों ही चीज फ्री ऑफ कॉस्ट थी, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी थी, है ना, आपने देखा होगा कि 23 क्वेश्चन मेरी डीपीपी में से सिमिलर आए हैं, बस डेटा चेंज होके आया था। और एक आपको सरप्राइजिंग बात बता दूं कि 4 क्वेश्चन तो एक्जैक्टली डेटा वाले आ गए। और एक और चीज बता दूं, मैंने 12 तारीख को एक मॉक टेस्ट करवाया था बच्चों, एक क्वेश्चन करवाया था उसमें सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट का, वो जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन था ना, एज इट इज पेपर में उठ के आ गया यार, एज इट इज, मतलब बिना डेटा चेंज करे एज इट इज उठ के आ गया। 12 को कराया था मॉक टेस्ट, 13 को था पेपर, 12 तारीख को जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी थी, मॉक टेस्ट मेरा देखा था, मेरे साथ वीडियो सॉल्यूशन लाइव उसका देखा था, उन बच्चों ने 13 तारीख को उस क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा होगा। आप सोचो एक ऐसा टीचर जो आपको 23 क्वेश्चन जब आप पेपर में जा रहे हो तो सिमिलर आपको दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन एक्जैक्टली आपको दिख रहे हैं, तो आपको टिक करने में लिटरली कितना टाइम लगेगा। 4 क्वेश्चन जब आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा इनको नहीं लगेगा। और 23 क्वेश्चन जब आपके सिमिलर आए होंगे तो, और ये तो मैं आपको लास्ट टाइम डीपी में से बता रहा हूं, ये तो जब आपने मुझसे सिर्फ 10-15 दिन पहले जुड़े थे उनकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जिन बच्चों ने यहां पर मेरे साथ पूरे साल पढ़ाई करी थी उनके आप सोचिए 42 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आए थे। और ऐसा होना भी है क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताया है, जो नीट का पेपर है ना बच्चों फिजिक्स का, उसमें से मैंने आपको एनालिसिस वीडियो बताई है, आप YouTube पे सर्च करो फिजिक्स एनालिसिस बाय रोहित अग्रवाल सर, तो मैंने उसमें बताया है कि 70% पेपर इजी आता है हमेशा, और इस बार भी आया है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि 25-30 क्वेश्चन फॉर्मुले और कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, एक चैप्टर से फॉर्मुला, एक ही चैप्टर से कॉन्सेप्ट यूज होता है, और रिमेनिंग आपका 25% मीडियम कैटेगरी का होता है, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक या दो चैप्टर के मिलकर आते हैं पर आसान होते हैं, मीडियम कैटेगरी के होते हैं, लिटिल बिट कैलकुलेशन होती है, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं जो सबको छोड़ने ही होते हैं, किन्हीं बच्चों को प्रैक्टिस करने होते हैं जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, जिन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई करी है, ये क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं। और आपको फिजिक्स में 40 क्वेश्चन जिस बच्चा जो बच्चा करके आ रहा है, आप समझो 40 × 4 एक तो होता है 160, आप सोचो 180 में से 160 नंबर फिजिक्स में अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो भैया वो तो फोड़ के रख देगा, उसकी तो रैंक आएगी तगड़ी, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे लाते हैं 320, 330, 340, है ना। और अगर आप सोचो 340 बायो में ला रहा है, 160 फिजिक्स में ला रहा है बच्चा, तो यानी कि 500 नंबर तो यही हो गए, केमिस्ट्री में जितने भी आ रहे हैं 130, 140, 150 वो ऐड ऑन है, यानी कि टोटल नंबर 650-660 तक पहुंचेंगे बच्चों। और जिस बच्चे का इतना स्कोर आता है उसे तो उसकी मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा यार, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा फिजिक्स का, जिनको डर लगता है वो मुझे प्रॉपरली फॉलो करते रहे तो वो उनका बेटा पार हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि फिजिक्स टफ है, अब आप बिल्कुल ये चीज नहीं कह सकते, ये बहाना आप नहीं लगा सकते कि फिजिक्स टफ है, ठीक है। फिजिक्स टफ तब तक थी जब तक आपको एक अच्छा एजुकेटर, अच्छा मेंटर नहीं मिल रहा था। अब आपको एक अच्छा मेंटर, अच्छा एजुकेटर, अच्छा टीचर अगर आपके सामने है तो फिर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि फिजिक्स टफ है। क्यों, कैसे फिजिक्स टफ है, जब 23 क्वेश्चन जिस टीचर के, आप सोचो मैंने कितनी मेहनत करी होगी उसको फॉरकास्ट करने में, उन क्वेश्चन को अरेंज करने में। इवन मैंने MTG के साथ मिलकर 3 बुक लॉन्च करी है, पी और सी और बी की, बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उनकी अलग फैकल्टीज के साथ में मिलकर करी है, मैंने लॉन्च नहीं करी है, ये सेल वेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव किताबें हैं जो मेरे बच्चे हैं प्रीमियम बच्चे, जैसे हेलो बच्चों पे या अनअकैडमी पे, उनको देने के लिए। इसमें क्या है, इन किताबों में मैं देता हूँ बच्चों आपको डू और डाई, बेसिकली इन किताब का नाम है डू और डाई बुक्स, है ना। तो इनके अंदर क्या है, फिजिक्स के जो भी 25 चैप्टर हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स के आपको यहाँ पे कंसाइज नोट्स मिलते हैं, कंसाइज रिवीजन मिलता है बच्चों, है ना, कंसाइज रिवीजन ऑफ फिजिक्स।
और साथ में आपको 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जो 23 जिनमें से क्वेश्चन आए थे ना, सेम उठा के देख लेना, आपको नाम ले तो मेरा नाम बदल देना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप इस टेलीग्राम पे पिंग कर लेना मुझको, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आप मतलब देखो, बेसिकली ये जो किताबें हैं सेल वेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेडिकेटेड बच्चों के लिए है, सीरियस बच्चों के लिए जो प्रॉपरली मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, हेलो बच्चों पे या अनअकैडमी प्लस पे, उनके लिए है ये सिर्फ, ठीक है। तो ये मैंने डेवलप करी है बहुत मेहनत के साथ में, एमडीजी के साथ मिलकर करी है, और उनके केमिस्ट्री और बायो के लिए भी डेवलप करवाई है आप बच्चों की हेल्प के लिए सिर्फ, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिक्स से आपको हेल्प बहुत मिलेगी, रैंक बहुत अच्छी आएगी, लेकिन असली में बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत जरूरी है, उतना ही केमिस्ट्री में स्कोर करना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम रिविजन के लिए वो किताबें प्रिपेयर करवाई है। जिन बच्चों को, जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मेरे कोर्स से, उन्हें फिलहाल अभी पहले 100 बच्चों को मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये किताबें, अगर जैसे मैं आपको गिव अवे भी देता रहूंगा बीच बीच में, ये किताबें मैं उन बच्चों को देता रहूंगा जो बेसिकली फरवरी और मार्च में सीरियसली पढ़ाई करेंगे, मेरी टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर ला रहे होंगे, उन बच्चों को मैं पूरी हेल्प जान लगा दूंगा उनके लिए कि भाई उनका सिलेक्शन हो, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने एक शेड्यूल लिखा है पूरा, फॉलो मी एंड सी योर स्कोर रोर हाई। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट में अपना पूरा रिविजन करवाया है कि मैं आपको पूरे साल में क्या करवाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला, किसी भी नीट के बच्चे के लिए या किसी भी एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, स्पेशली फिजिक्स का, उसके लिए जरूरी होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वॉच माई लेक्चर्स और लाइव क्लासेस, या तो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो या लाइव क्लासेस देखो, या आप जहां से फिजिक्स पढ़ना चाहते वहां से पढ़ो। पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। लाइव क्लास देखो या लेक्चर्स देखो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हेलो बच्चों से पढ़ो, अनअकैडमी से पढ़ो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला स्टेप है फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दूसरा स्टेप है टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, जो मैं डीबीपी प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर के बाद में, उनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इनके अंदर मैं बेस्ट क्वेश्चन डाल के दूंगा जो पेपर में डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन बैंक मिलती है आपको, जब आप मेरा कोर्स पढ़ते हैं तो 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक मिलती है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की बनाई है, डेवलप करी है मैंने कई सालों में मिलके, ठीक है, टीचर्स के साथ में। इवन फिजिक्स की 8,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं सिर्फ फिजिक्स के। तो ऐसे केस में वो जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें मैंने सेग्रीगेशन भी डाला है इसी मीडियम और टफ का, आपकी हेल्प के लिए। पहले आप इजी से स्टार्ट करो, फिर मीडियम लगाओ और फिर टफ लगाओ, क्योंकि टफ लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि पेपर में इजी क्वेश्चंस आते हैं 70%, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इजी आएंगे, जैसा कि आपने 2020 का पेपर का एनालिसिस भी मेरा देख लिया होगा यूट्यूब पे, ठीक है। रिवीजन, अगर मैं बच्चों रिवीजन की बात करूं तो तीसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दूसरा स्टेप है टेस्ट और प्रैक्टिस करना फिजिक्स में, है ना। मेरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी जनवरी के आसपास, है ना, शायद दिसंबर में भी हो सकती है, और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में टेस्ट आएंगे। इसमें दो तरीके के टेस्ट होंगे, मेरी टेस्ट सीरीज में दो तरीके के टेस्ट होंगे, एक होगा माइनर, एक होगा मेजर। तो बच्चों जो माइनर टेस्ट होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे, जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उन सबका प्रॉपर एक एक टेस्ट आपको दूंगा, जिसमें मैं बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चंस दूंगा आपको, जो डायरेक्टली पेपर में रिपीट हो सकते हैं, ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस दूंगा विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको यहां पर जो मेजर टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा, वो सारे के सारे जो प्रोवाइड करूंगा बेसिकली, वो आपके होंगे फुल मॉक टेस्ट, पूरे सिलेबस के पूरे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिनका भी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सारी चीजें मैं आपके लिए जान लगा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं जान लगा सकते, है ना। रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चंस की सीट्स दूंगा हर चैप्टर में से, या तो किताब के फॉर्म में, जो मेरी किताब लॉन्च करी है वो सेल के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव किताब है, ठीक है। तो या तो वो बुक आपको डिलीवर कर दूंगा, या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आप प्रिंट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ में दूंगा, डोंट वरी। तो ये आप कर लेना लास्ट में, लेकिन ये मैं आपको मार्च में दूंगा, क्योंकि अभी से दे दूंगा तो बच्चों का मन भटक जाएगा कि यार मैं तो इन क्वेश्चंस को कर ले जाऊं, मेरे तो नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं बच्चों, अभी आपको कॉन्सेप्ट करना है, टेस्ट एंड प्रैक्टिस करनी है। इवन मैं आपको फरवरी के आसपास वन शॉट वीडियोस लॉन्च करूंगा, नई दोबारा आपका 2.0 वर्जन, वन शॉट वीडियो का 2.0 वर्जन लॉन्च करूंगा, और उनके अंदर मैं आपको पूरी फिजिक्स को वन शॉट में फिर से कराऊंगा, ठीक है, और लाइव कराऊंगा, रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना, प्रीमियम वर्जन भी उनका प्रोवाइड करूंगा। तो आप उनको देखना, तो आपकी फिजिक्स फिर से क्लियर होगी और आपके पेपर में बहुत अच्छा स्कोर बढ़ेगा फिर से, ठीक है। फिर से आप फिर से वही रिकॉर्ड बनाएंगे जैसा आपकी बार बनाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Always carry a positive mindset to reach your goal. ये statement आपको हमेशा ध्यान रखना है। बच्चों देखो, Henry Ford ने एक statement बोला था, Whether you think you can or you think you can't, you are right. अगर आप सोचते हैं कि आप कर लोगे तो आप कर जाओगे, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। यकीन मान लो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। Henry Ford बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप कर जाओगे तो आप कर जाओगे, अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप नहीं कर पाओगे तो आप सच में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा।
आपका दिमाग इस आपने विजन बना लिया है ना, आपने विजन बोर्ड अपने रूम में चुपका लिया, आपने चुपका लिया कि मुझे 600 नंबर लाने हैं, आपने वहां पे लिख लिया कि मुझे 170 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं कर जाऊंगा तो आप यकीन मानो कर जाओगे एक दिन, लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ऐसे गरीबी में पैदा हुआ हूँ, ये पैदा हुआ वो किया, ये हुआ है, भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो फिर आप समझो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस इंसान के सामने एक्सक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं उस इंसान का तो साथ भी भगवान नहीं देते। जो इंसान सारे एक्सक्यूजेस को छोड़ के ये कहता है कि हाँ मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं जानता हूँ, एक बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना तो टैलेंट को बीट किया जा सकता है। आपने एक चीज एक कहानी सुनी होगी रैबिट वाली, है ना, रैबिट और खरगोश, खरगोश की कहानी और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी कि एक कछुआ और रैबिट भागते हैं और रैबिट आपका एक टाइम बस सो जाता है, बहुत बहुत भागता है, वो तो सोचता है कि अब तो मैं बहुत आगे आ गया, उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो फिर वहां सो जाता है और एक कछुआ बेचारा धीरे 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 चलता जाता है, चलता जाता है और वो जीत जाता है। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि इस कछुए के अंदर तीन हैबिट थी जो एक नीट के एस्पिरेंट में चाहिए। क्या? इसके अंदर डिसिप्लिन था, ये सोया नहीं था अपने गोल तक पहुंचने से पहले, इसके अंदर कंसिस्टेंसी थी, ये रुका नहीं था अपने गोल से पहले पहुंचने से पहले, ठीक है, और इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर बेसिकली माइंडसेट था, इसके अंदर विजन था कि भाई मुझे पहुंचना है अपने गोल तक, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, मुझे नहीं सोना है। ये माइंडसेट नहीं इसको ना तो सोने दिया और ना ही इसकी कंसिस्टेंसी को तोड़ने दिया, ठीक है। आपसे बार बार आपका मन कहेगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लो एक वीक का आपने टारगेट सेट किया, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, तो आपने 7 दिनों का टारगेट सेट किया कि भाई मुझे 3 चैप्टर खत्म करने हैं, है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 चैप्टर खत्म करने हैं, 3 चैप्टर बायो के खत्म करने हैं, 2 मुझे फिजिक्स का करना है और 1 मुझे केमिस्ट्री का करना है, मान लो, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्राइडे तक पढ़ा अच्छे से, है ना, बहुत जी जान लगा के पढ़ा फ्राइडे तक, अब आ गया फ्राइडे, अब फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, उनको पता है संडे को करना है रिवीजन और फ्राइडे और सैटरडे बचा है बस पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये बच्चों, आप उनका बच्चों का मन क्या बोलेगा, यार बहुत दिन हो गए, 5 दिन हो गए लगातार पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, है ना। और जहां पर जो खरगोश वाले एटीट्यूड को होगा, जो रैबिट वाले एटीट्यूड वाला बच्चा होगा, वो यहां पर ब्रेक हो जाएगा, वो कहेगा थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, यार बहुत मेहनत कर ली, वो गया, जो जिसकी कंसिस्टेंसी गई वो इस पेपर को क्रॉस ही नहीं कर सकता, जिसकी डिसिप्लिन खत्म वो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एटीट्यूड आपको अपनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, आपको यहाँ पे जो ये देखो खरगोश वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, आपको ये कछुए वाला एटीट्यूड यहाँ पे रखना है, ओके, तो आपको ये एटीट्यूड नहीं रखना है। आपका मन कहेगा फ्राइडे और सैटरडे को मैं ब्रेक ले लूं, मैं थोड़ा सोशल मीडिया चला लूं, मैं थोड़ा कपिल शर्मा की कॉमेडी देख लूं, मैं थोड़ा सा बीबी की वाइंस देख लूं, मैं थोड़ा सा अमित भड़ाना की वीडियोस देख लूं, आपका मन करेगा, लेकिन आपको क्या बोलना है, ओ स्त्री कल आना, ओ इच्छा कल आना, आज मुझे पढ़ाई करनी है, 2000 नीट का पेपर दे लूं मैं 2021 का, फिर उसके बाद तो खूब आना, खूब मैं एंजॉय करूंगा, खूब अपने आप को घुमाऊंगा फिराऊंगा, खूब एंजॉय करूंगा, नैनीताल घूमूंगा, हर जगह घूमूंगा, जहां भी मेरे सपने थे वहां घूमूंगा, लेकिन पहले अपने टारगेट को अचीव करूंगा जो खरगोश ने किया था, ठीक है। जो खरगोश ने किया था वो क्या किया था, इनकंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को तोड़ा था, लेकिन जो आपका कछुआ था उसने क्या कहा था कि मैं जब तक अपने टारगेट पे अचीव नहीं करूंगा, मैं अपनी जब तक टारगेट को नहीं फोड़ूंगा, जब तक अपने टारगेट तक नहीं पहुंचूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं आराम करूंगा। तो बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है, आराम हराम है, आराम हराम ये नहीं है कि आपको सोना हराम है, नहीं, सोना तो बहुत जरूरी है, नहीं सोओगे तो आपका माइंड, जो माइंड है वो एक्टिव काम नहीं करेगा। आपको आराम हराम, कौन सा वाला आराम हराम है, आपका जो गोल है उससे पहुंचने से पहले जो आराम आप कर रहे हो वो हराम है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कोट आप लगा के रखना अपने फोन में, अपने फोन के स्क्रीनशॉट में आप लगा के रखना। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वे टू प्रिपेयर। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर आपने सारी बातें बता दी, लेकिन हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, तो आपके सामने आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, आज आपके पास कोई बहाना नहीं है बच्चों, आप यूट्यूब से आज पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के आज 2000 से ज्यादा टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर, आप अपने मनपसंद टीचर से आज पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूट्यूब ध्यान रखना एजुकेशन के लिए नहीं बना है, यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए बना है, यूट्यूब अमित बढ़ाना, बीबी की वॉइस, म्यूजिक, टी सीरीज, इनके लिए बना है, यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर एजुकेशन। कभी भी यूट्यूब पे वीडियो आपने देखा होगा एजुकेशन की कभी भी ट्रेंडिंग पर नहीं आती, YouTube पर ट्रेंडिंग पर कौन सी वीडियोस आती हैं, क्योंकि YouTube खुद उन्हें प्रमोट करता है, क्योंकि YouTube को क्या चाहिए, YouTube को चाहिए व्यूज, YouTube को चाहिए एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा इंसान वहीं के वहीं फंसा रह जाए, और वो म्यूजिक और कॉमेडी फंसा के रख सकती है इंसान को, उससे क्या होता है, उससे आते हैं बहुत सारे एड्स और उससे YouTube की जेब में जाता है बहुत सारा पैसा। तो YouTube को अल्टीमेटली कमाना है पैसा, और YouTube को उसके लिए चाहिए बहुत सारा एंगेजमेंट, बहुत सारा व्यूज, और वो आएगा कॉमेडी और म्यूजिक से, तो इसलिए YouTube प्रमोट भी होना ही करता है। तो YouTube ध्यान रखना बच्चों, YouTube इज नॉट मेंट फॉर स्टडी। आप ऊपर देख रहे होंगे मेरी मॉडर्न फिजिक्स की वीडियो यहाँ पर चल रही होगी, मेरी मॉडर्न फिजिक्स की वीडियो में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स, और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा
कि भाई नई वीडियो लॉन्च हुई है बीबी की वाइंस की, नई टी सीरीज का गाना आया है, हनी सिंह का गाना आ गया, इसका गाना आ गया, उसका गाना आ गया, और आपका मन करेगा एक बार देख लेता हूँ क्या दिक्कत है, और जहां पर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई वहीं पर आप गए। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, यूट्यूब इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर रिलाई होना चाहते हैं बच्चों, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ढेर सारा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, खुद अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, खुद अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जो आपको खुद बेसिकली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे कब और क्या पढ़ना है, ठीक है। कोई टेस्ट आपको नहीं करवाएगा, कोई आपको एनालाइज नहीं करेगा, कोई आपके क्वेश्चन बैंक आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर सिर्फ लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और आप उन्हें देखते जाएंगे, ये सिर्फ होगा YouTube के ऊपर। तो YouTube से पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। आप YouTube से पढ़ सकते हैं, हजारों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कोचिंग को, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन अफोर्ड नहीं करते वो पढ़ते हैं YouTube से, कोई बात नहीं, आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में केवल ये 7 महीने प्रीसेस बचे हैं, आप देख लेना क्या ये डिजर्व करते हैं आपका अटेंशन YouTube पर। तो प्लीज आप इस चीज को खुद समझना कि YouTube इज नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, YouTube सिर्फ आपका आपको भटकाने के लिए बना है, YouTube एक सोशल मीडिया है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। हेलो बच्चों, ऐप से आप प्रिपेयर कर सकते हो, फिजिक्स की तैयारी आप कर सकते हो, जैसे मेरा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, डू और डाई लॉन्च करूंगा उसे ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक आपको मिल ही जाएंगी, ऑफलाइन कोचिंग है अगर आपके आसपास कोई अच्छी तो उसे ज्वाइन कर लो, आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो, इससे बढ़िया तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं आज की डेट में। बड़े बड़े कोटा के टीचर्स, स्टार एजुकेटर्स, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टार एजुकेटर्स, मैं भी आज अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाऊंगा, तो अनअकैडमी प्लस तो अपने आप में बेस्ट है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ कि आप ये पर्टिकुलर कोई चीज ज्वाइन करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो चाहो वो ज्वाइन करो, लेकिन अल्टीमेटली आपका टारगेट जो आज हमने डिस्कस किया है वो अचीव होना चाहिए, 600 प्लस नंबर का जो हमने टारगेट सोचा है, और इतनी स्ट्रेटेजी चीख चीख के मैं आपको सबसे बता रहा हूँ, वो क्लियर होना चाहिए, वो हमारा कवर होना चाहिए, तभी इस सब चीजों का कोई फायदा है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेरा चैनल है दूसरा नीट प्रो जो मैंने अनअकैडमी के साथ में लॉन्च किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया थोड़ी देर पहले क्लास के शुरू में, ठीक है। तो शेड्यूल क्या था, शेड्यूल ये है बच्चों कि मैं यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन अपनी क्लास लॉन्च करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं 2 बैच चलाऊंगा, 2021 के बच्चों के लिए और 2022 के बच्चों के लिए, और लाइव यहाँ पे पढ़ाऊंगा, है ना। तो 2021 के बच्चों के लिए फिलहाल स्टार्ट करूंगा मॉडर्न फिजिक्स, और 2022 के बच्चों के लिए स्टार्ट करूंगा काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो ये आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इनका रिकॉर्डेड वर्जन मेरा जो मेन यूट्यूब चैनल है जो हेलो बच्चों है, ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसे फॉलो करते रहिए, ओके। चलिए यहाँ पर अब मैं आपको अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अनअकैडमी अपने आप में आज की डेट में बेस्ट है, ठीक है। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि आप अगर अनअकैडमी मेरे थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं अपना हेलो बच्चों का कॉन्टेंट अभी पहले 100 बच्चों को फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ पहले 100 बच्चों के लिए है, लेकिन वो ओके। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये अनअकैडमी की वेबसाइट वर्जन है, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन बटन आएगा, जब आप ऐप पर जाओगे तो इस तरीके से आता है, ओके। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जैसे स्पेशल क्लास, पेड क्लास, है ना, प्लस की, और स्ट्रक्चर कोर्सेस हैं आपके लिए क्लास 11 के लिए, 12 के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, ओके। लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको मिलती हैं, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की तरह, ठीक है। ये बेसिकली आपका मेडीफ्लिक्स की तरह आपको यूज करना है, ये आपका एजुकेशन फ्लिक्स होना चाहिए, नेटफ्लिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स पे होता है ना कि एक सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके बाद कोई भी वीडियो, कोई भी मूवी, कोई भी शो देखो, वैसे ही यहाँ पर होता है, एक सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर किसी भी टीचर से, चाहे कोटा का हो, चाहे ऑनलाइन का हो, चाहे ऑफलाइन का हो, सबसे पढ़ाई कर सकते हो। इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन भी किया, अनअकैडमी को ऑनबोर्ड किया हेलो बच्चों के साथ में, मैं आज अनअकैडमी पर ही पढ़ा रहा हूं। रीजन क्या है कि अनअकैडमी ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया एजुकेशन के अंदर, जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो बच्चों आप यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अब यहां पर 80 से ज्यादा बेस्ट फैकल्टीज आज आपको पढ़ाती है, डॉक्टर एस के सिंह, अनमोल शर्मा, आनंद मणि, प्रणव पुंडरिक, बहुत सारे लोग हैं, है ना, ये तो कुछ ही आपको मैं नाम बता रहा हूं, ये सारे के सारे कोटा की टीम है, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चों वो एजुकेटर हैं जिनका कोटा के अंदर 1-1 करोड़ का पैकेज होता है, ठीक है। आप समझो, जो टीचर कोटा के अंदर 1-1 करोड़ का पैकेज लेते हैं वो आज आपको यहाँ पर लाइव पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो, जैसे आशीष दीवान सर, SHOD एलएन कोटा, SHOD सीपी कोटा, डॉक्टर अमित गुप्ता, ब्रांड कोटा एट एलएन, आप देख सकते हो पंकज तलवार, CEO ऑफ अचीवर करियर इंस्टीट्यूट कोटा, है ना, शैलेंद्र सर जो 17 सालों से एलएन में पढ़ा रहे हैं, चंद्रमौली मौर्य 7 सालों से एलएन में पढ़ा रहे हैं, रमेश सारदा सर, अचीवर इंस्टीट्यूट कोटा विद एलएन। आप सोचो ये सारे वो टीचर से बच्चों जो 1-1 करोड़ का पैकेज लेते हैं कोटा, और जैसे आपको पता हो तो जैसे एलएन से बना सर्वोत्तम, है ना, और सर्वोत्तम में हजारों बच्चे चले गए एक ही बार में, पता है क्यों, क्योंकि वहां पे टीचर बहुत अच्छे थे,
जिन जिन टीचरों से पढ़ने के लिए बच्चा कोटा जाता है वो आज आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, और यही कारण है कि मैंने अनअकैडमी को ऑनबोर्ड किया है। दिस इज दी ओनली रीजन कि आज आपको क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को घर घर तक पहुंच पा रही है, वो भी बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में। जो प्राइस है वो बच्चों बहुत इफेक्टिव है। जितने एजुकेटर आज आपको, जितने बैचेज आज आपको यहाँ मिलते हैं ना, वो जो प्राइस में मिल रहे हैं ना, वो अनइमेजिनेबल, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए इन टीचर्स को, इन टीचर्स के लिए जिनका एक एक करोड़ का पैकेज, आप सोचो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अनअकैडमी को चाहिए होता है। तो उसके लिए जो वो फीस ले रहे हैं वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आप यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये कुछ और टीचर्स हैं, आप इनको देख सकते हो। ये तो छोटी सी लिस्ट है, अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर हैं, और हर महीने 3 to 4 स्टार टीचर आपके ज्वाइन होते हैं अनअकैडमी में, ठीक है, और 3 to 4 नए बैचेस भी लॉन्च होते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और टीचर्स की लिस्ट है। ये कुछ बैचेस हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कंप्लीट कोर्स आपका लॉन्च हुआ है 16 सितंबर को, ये देखो सर्वोत्तम के टीचर हैं एसकेसी सर, और ये सारे के सारे फेमस टीचर हैं, सारे के सारे, कोई कोटा का है तो कोई ऑनलाइन की दुनिया का है, ये सारे के सारे आप सब टीचर को जानते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके अच्छे टीचर्स हैं। ओके, अराइज बैच, फाउंडेशन बैच, अचीवर बैच, ये केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, सबके लिए आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए आज आपको 20-25 बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं। तो इससे बढ़िया आप सोचो क्या होगा। आप एक और चीज देखो कि हर महीने में ऑलमोस्ट 3 to 4 नए बैच लॉन्च होते हैं अकेडमी के ऊपर, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक गजब की चीज है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ डेमोक्रेसी है, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अगर वो बैच पसंद नहीं आया तो उसे छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी कोचिंग वाले डिसाइड करेंगे, आपका टेस्ट हो रहा है माइनर टेस्ट, और आपके नंबर के हिसाब से आपको बैचेस में डिसाइड किया जाएगा कि आप किस बैच में डाले जाओगे। नहीं बच्चों, यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि आपको किस बैच में जाना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे बैचेस हैं यहाँ पर अलग अलग टीचर्स के। ओके, यही कारण है अनअकैडमी में ज्वाइन करने का मेरा, और कोई रीजन नहीं है। हेलो बच्चों, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, मैं अनअकैडमी पर भी आपके कुछ बैचेस लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे बैचेस हैं, कितने सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं अलग अलग बैचेस में। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखो इवन डीसी पांडे जैसे टीचर्स, डीसी पांडे जैसे बड़े बड़े ऑथर्स आज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप सोचो किस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी आपको दे रहा है, ठीक, समझ रहे हो आप। डीसी पांडे जैसे सर को लाने के लिए अनअकैडमी को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, मेरे जैसे टीचर को लाने के लिए अनअकैडमी को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए, जो जिस फीस में आज आपको वो एजुकेशन दे रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आपको आज समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे। आप यहाँ पर देखिए, टेस्ट सीरीज है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ प्रीमियम है। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि हर बैच में अपने अपने जो बैच होते हैं ना, टीचर अपने अपने मॉक टेस्ट और अपने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर आप भी उसको उसका ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हो। जैसे आप प्लस ले लोगे, जैसे आप प्लस लोगे Rohit007 कोड यूज करके, तो आपको अनअकैडमी तो मिलेगा ही, साथ में हेलो बच्चों का जो मेरा कॉन्टेंट है वो भी मिल जाएगा, मेरी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन में सब मिल जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सब आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लास में। ओके, फिर आप यहाँ पर अपने हिसाब से शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का कोई लोचा नहीं है, इंग्लिश हिंदी हर समय आप किसी भी समय कभी भी पढ़ सकते हो। रिकॉर्ड देखो, लाइव देखो, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन देखो, मोबाइल पर देखो, पीसी देखो, टैबलेट पर देखो, डाउनलोड करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो रिवॉल्यूशन होता है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का, दिस इज कॉल्ड एडटेक, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करना। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव पोल्स का आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन, जब मैं मॉडर्न फिजिक्स मान लो पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप रियल क्लासरूम की तरह यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो क्वेश्चन का, ठीक है, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। फिर उसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देखो डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस आपको मिलती है प्रॉपर। ओके, यहाँ पर आप देखो पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एमटीजी के साथ टाइप करके मैंने फिजिक्स की बुक लॉन्च करी है, वो सेल के लिए नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, वो सेल के लिए नहीं है, वो एक्सक्लूसिव गिफ्ट है मेरा आप बच्चों के लिए, और वो मैं उन्हीं बच्चों को दूंगा या जो मेरी टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, या फिर मेरे कोर्स से प्लस को सब्सक्राइब करेंगे, और या हेलो बच्चों के प्रीमियम बच्चे होंगे, जो सीरियस बच्चे होंगे उनके लिए भी गिव अवे करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फीस कितनी है, इसकी एक साल के लिए फीस है 38,000 और 6 महीने के लिए 28,000, और अगर आप डिस्काउंट लगा लोगे Rohit007 जब आप प्रोमो कोड लगाते हो तो आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाती है। साथ में जो मैंने आपको बताया, ये जो मेरा कंटेंट है हेलो बच्चों का, ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पहले 100 बच्चों के लिए। मिशन 2021 फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एंड DBP, अगर आप 2 साल के लिए लोगे तो मिशन 2022 प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी 20,000 क्वेश्चन की। टेस्ट सीरीज जो मेरी लॉन्च होगी 2022-2021 वो भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा। पीसीबी की टू और डाई बुक्स जो मैंने एमटीजी के साथ मिलकर बनाई है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो फिजिक्स की तो मैंने बनाई है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैंने उनकी फैकल्टीज के साथ मिलकर आपके लिए डेवलप कराई है। ये सिर्फ आपके लिए डेवलप कराई है एक्सक्लूसिवली, ये कोई सेल वेल के लिए और पैसा कमाने के लिए डेवलप नहीं करी है बच्चों मैंने, ये मेहनत करके एक्सक्लूसिवली आपके लिए डेवलप करी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मुझसे पढ़े वो झंडे गाड़ कर आए, वो 600+ उसके लिए बहुत हलवा हो जाए। ये बहुत कठिन स्कोर है लेकिन ये आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप अच्छे से और अच्छे
एजुकेटर, अच्छे मेंटर, अच्छे फैकल्टी के साथ पढ़ाई करोगे तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी प्राइस बच्चों, एक्चुअली क्या है, ये नई प्राइसेस हैं जो 20 तारीख से होंगी, 20 सितंबर से, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास मौका है, आप 20 सितंबर से पहले अगर ज्वाइन करते हैं तो आप इसी प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी चल रहा है, 2 साल का 32,000 में और 12 महीने का 27,000 में, ROY007 प्रोमो कोड लगाओगे मतलब अल्टीमेटली आपको फ्री सा ही पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको देखो इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ ना, ये जब इनकी कॉस्ट लगाओगे ना, वैसे तो ये प्राइस लेस है सारी चीज है, लेकिन जब आप इनकी रियल वैल्यू मनी की भी लगाओगे तो ऑलमोस्ट इतना ही प्राइस आपका बैठता है, तो असल में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ जाएगा अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो। आपको देखो अनअकैडमी का तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल ही जाएगा, सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, 10% ऑफ भी मिल जाएगा, साथ में जो मेरा यहाँ पर एक्सक्लूसिव गिफ्ट है वो भी बच्चों आपको मिल जाएगा फिलहाल, ठीक है। और ये नंबर है मेरा, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी डाउट है आपको तो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि क्या रिवॉल्यूशन अनअकैडमी लाया है और क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आप अपने एग्जाम को फोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने पूरी क्लास देखी और आपने पूरा एंजॉय किया होगा और आपको आज बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इस क्लास को आज मैं एंड करूंगा, मैंने बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाने की कोशिश करी थी, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी इस क्लास के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका पूरा फायदा आज उठाया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।